और अगस्त से सितंबर तक आते आते ज्योग्राफी प्लस मैप खत्म कर दो, हो जाता है। 15-15 वीडियो होते हैं, अगर खुद से भी करना है तो हो जाएगा, नहीं तो अलग से भी हो जाएगा। अब डायनेमिक पार्ट में परेशानी क्यों आती है, क्योंकि देर आर एक्ट्स इन्वॉल्व, देर आर प्रोविजंस इन्वॉल्व, देर आर स्टैट्यूट्स इन्वॉल्व, देर आर अमेंडमेंट्स इन्वॉल्व। क्या उसके लिए कोई किताब एक जगह करके देगा क्या आपको? वैदिक काल में क्या हम अर्ली और लेटर में पढ़ते हैं तो क्या हमें विमेन या फिर हमें पूरा का पूरा सोसाइटी नहीं पता चलता है क्या? क्या हमें गृहपति नहीं पता चलता है? क्या हमें ग्रामीणी नहीं पता चलता है? क्या हमें कुलपति नहीं पता चलता है? एंशियंट और मॉडर्न, आप अक्टूबर पूरा लग करके एंशियंट खत्म करेंगे और अच्छे से खत्म करेंगे, पूरा का पूरा नोट्स बनाएंगे। अब इंट्रो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आई होप मेरा रोता हुआ चेहरा तो सबने देख ही लिया है, अगर नहीं भी देखा होगा तो सर्च कर लेना यार, मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट डेलविंग इनटू दोज थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर आर प्रिपरेशन टुडे, सो आई डायरेक्टली गो इनटू द ब्लूप्रिंट फॉर द 2024 एंड एज साकेत हैज सेड आई डायरेक्टली गो विद द पार्ट वेयर यू मे क्रिएट समथिंग दैट इज वंडर, लाइक यू कैन डू ग्रेट विद योर एसे पेपर, दो आई थिंक मेरी फिलोसफी कुछ ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, तो ऐसे वालों ने थोड़ा नंबर काट लिया, बट आई थिंक दैट डिड वंडर्स इन माई एथिक्स पेपर, आई स्कोर्ड 133। तो विदाउट फर्दर अडू वील डायरेक्टली गो फॉर दी 2024। So I think I'll not delve much into the syllabus part, but I'll directly go with the things what you all have to do. ठीक है, चले। English would be the mode of communication, or you are comfortable with any other language also? I think English will do good. Apart from that, sometimes I'll use Hindi also. मातृभाषा है, नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अरे हिंदी भी बोल लेंगे, थोड़ा इंग्लिश रखते हैं ना, क्योंकि there are people who are listening to me. अब वो लोग फिर कहेंगे कि सर हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम यूपीएससी का थोड़ा सा बेसिक्स देख लेंगे विदाउट गोइंग इन टू दी मेजर थिंग्स, एंड द सेकेंड वुड बी मेन्स पार्ट। ओके, सो देर इज अ वेरी क्लियर कट थिंग, जो कि गलतियां सब लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अलग अलग प्रिपेयर करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका जो भी सिलेबस है ना, यहां ऑलमोस्ट 60-70% ये रिप्लीकेट होता है, 60-70% यहां रिप्लीकेट होगा। सो यू कैन नॉट थिंक कि हम प्रिलिम्स के लिए पहले से पढ़ लें और फिर जब पेपर क्लियर कर लेंगे तो मेंस के लिए करेंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे आप, मतलब फंस जाओगे, प्रॉब्लम आएगी और बाद में फिर रोओगे, वो नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं ना इस वाले पार्ट के लिए, वील इंश्योर कि दिस इज केप्ट फॉर आर दोज थिंग्स। सो आई थिंक सिलेबस पार्ट इज वेरी क्लियर विद ऑल, बट स्टिल आई गिव अ ब्रीफ। पार्डन, ठीक है, तो वी वर हियर, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं सो दैट मैं लिख पाऊं पूरा। टेल मी द मेजर सेक्शंस। पॉलिटी, एवरीबडी इज अवेयर, Polity deals with how our institutions are running, dealing with the executive part, which is your, I think, Hindi ab thodi dikkat karegi, to aap pareshan mat hoiyega, I think, Karyapalika. Second is legislature, which is your Vidhayika. And the third is your judiciary, which is your Nyayapalika. Then we have history. With history, we have four more sub-segments. One is art and culture. Second is ancient. The next would be medieval, and next would be modern. So your entire history would be categorized into four subparts. एक आपका art and culture हो जाएगा, दूसरा आधुनिक भारत, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत, और लास्ट में आधुनिक भारत। Then your economy, which deals with how कि कैसे पैसा इधर से उधर हो रहा है,
मतलब गलत सेंस में नहीं, ऑब्वियसली देर इज अ वेरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर द सेम, यूल हैव टू लर्न दैट और कैसे चीज़ों का आवंटन होता है, ठीक है. देन देर इज वेलफेयर प्रोसेस इन टू दैट, हाउ द मनी इज बींग फ्लोड एंड ऑल एवरीथिंग, हाउ कंट्री एज अ ऑर्गन इंटरेक्ट विद द अदर कंट्री एज एन ऑर्गन, जिसमें हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज अवर एनवायरमेंट. द वे वी ह्यूमंस हैव exploited the entire natural resources, we have come to a situation where we'll have to ensure कि हम पर्यावरण को थोड़ा सा वो ड्यूट दे दें जिसका वो हकदार है. So environment part is mostly with the basics, that would be your static part. Static part dealing with all those basics like species and all everything, how they interact with each other, how carbon is being trapped or how the nature as a function is acting, that would be the static part. Then we have dynamic part of the environment. अब इतना सारा जो हमने पर्यावरण को गंदा किया है, इतना कचड़ा जो हमने अपशिष्ट जिसको हम कहते हैं the waste part, हमने इतना खराब कर दिया है environment को कि we need dynamicity into our approach. और उस dynamic part के लिए हम act लेकर के आते हैं, conferences करते हैं, conventions करते हैं. Why I am segregating into two parts? क्यों? क्योंकि कुछ static part होगा which roughly your 60 to 65% of the entire syllabus and dynamic part would be 35 to 40%. ठीक है, I'll have to get it back. Is there any way? We can't get it back. Sorry for this mistake. I owe my responsibility. भाई मेरी गलती है, ठीक है. Somehow I am new to this entire project and thing. So please गलती माफ करिएगा. I'll write it again. एक बार मैं फिर से लिख ही देता हूँ पूरा. Then we have geography, which deals with the phenomena like heat wave, जिससे मेरा राज्य अभी सबसे ज़्यादा त्रस्त है. In fact, 41 feels like 54. अभी आप Google करिएगा तो 41 का टेम्परेचर दिखेगा पटना में, एंड इट वुड फील लाइक एट लीस्ट मोर देन 50 डिग्री. सो दोज आर द फेनोमेना विच आर टू बी रेड इन ज्योग्राफी. देन वी हैव साइंस एंड टेक. See, in science and tech, we have two major sections, okay? Two major sections in the terms. One, which is your entire NCERT, which is exclusively from 6th to 10th. Then certain chapters from class 11th and 12th. This is the part. Then we have entire dynamic part. Dynamic part in the terms, like, let's say, kal Bharat Sarkar ek naya kuch yojana lekar ke aati hai ki hume ab शुक्र ग्रह पे जाना है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट दैट कैन नॉट बी स्टैटिक. उसके लिए हाँ, एग्जैक्टली दैट इज द पार्ट वेयर द डायनामिसिटी कम्स. सो योर करंट अफेयर्स आई थिंक मोर और लेस कवर कर दिया है मैंने पूरा का पूरा पार्ट. अगर कुछ बच गया है तो बता दीजिए मुझे. एनीबॉडी, कुछ आपको लगता है कि आई मस्ट हैव मिस्ड? अब वो पूरा का पूरा मैंने डायनेमिक इसलिए डाला है. पार्डन, क्वालिटी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था. दैट्स व्हाई आई सेड ना कि वी विल ऑल्सो इंटरलिंक इन टू द पार्ट. सो वी विल गो विद द स्टैटिक पार्ट विच इज आर कंट्री एंड द अदर वन वुड बी आईआर पार्ट. ओके, और कुछ? एंड द लास्ट वुड बी योर करंट अफेयर्स. चलिए आपकी बात भी हम मान ही लेते हैं, क्यों इसको छोड़ दें, ठीक है. सी, आई वुड नॉट एग्जैक्टली डील विद द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नोट्स या फिर स्टैंडर्ड बुक्स. दैट इज अप टू यू. क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. I'll say some book, somebody will say some book, okay? तो होगा क्या कि परेशानी होगी फिर. तो I will not exactly go into the standard book, reference material or coaching material. ये मैं नहीं करूँगा. मैं simply वो बताऊँगा आप कि आपको हर subject को कितने दिन में ख़त्म करना है
और कैसे एसोसिएट करना है. इवन इफ यू आर गोइंग टू फॉलो सम स्टैंडर्ड बुक्स, लोग कहेंगे कि फर्लो आ जाता है, परोल आ जाता है. दोज थिंग्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली ऑफ पार्ट ऑफ योर बुक, लेकिन पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स. तो ये मत कहना कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. सी आई हैव सॉल्व्ड ऑल फ्रॉम लक्ष्मीकांत. एंड देन कम्स द यूज ऑफ कॉमन सेंस. आई विल टेक अप कॉमन सेंस इसलिए ले रहा हूं, यू विल फाइंड एटलीस्ट 80 प्लस वीडियोज मेड ऑन इट. कम से कम 80 से ज्यादा वीडियोज बनाए जा चुके हैं इस सिर्फ कॉमन सेंस के नाम पर. पर ये कॉमन सेंस कभी काम करेगा जब आपने ये खत्म किया हुआ है. अदरवाइज कॉमन सेंस यूज करने के लिए जो कॉमन सेंस यूज करना था वो नहीं था आपके पास. तो डू नॉट लिसन टू दोज वीडियोज जो कहते हैं कि 80 प्लस वीडियोज बना के कि हम 70 प्लस क्वेश्चंस जो है कॉमन सेंस से सॉल्व कर देंगे. दो घंटे के एग्जामिनेशन में बैठ के जब तुम्हारा सर दर्द होता है ना, कोई कॉमन सेंस घंटा समझ नहीं आता कि क्या होता है. ठीक है ना? तो ये सब जो बकवास होता है कि कॉमन सेंस से सॉल्व कर लो, तो पेपर भी क्लियर कर लो. पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा फिर कॉमन सेंस से तुम्हारा? तो इन फर्जी के चीज़ों में डू नॉट डेल्व इनटू योरसेल्फ. आप एक बहुत बड़े जंग के लिए जा रहे हैं जिसमें आपका संकल्प बहुत मैटर करता है. ठीक है? क्योंकि आप अगर ईयर बर्बाद करते हो ना, हाउ डज दिस इंटायर थिंग वर्क? आप बताइए. लेट्स से यू आर सिटिंग फॉर प्रीलिम्स, देन कम्स योर मेंस, देन कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है? अगर आप इसको नहीं क्लियर करते हो तो कहानी यहीं खत्म. फिर से एक साल आई थिंक पूरा का पूरा फिर से लगाना पड़ेगा. अगर इसको भी फेल करते हो तो फिर से एक साल. एनी हाउ यू आर इन टू दोज एंटायर काइंड ऑफ अ सिचुएशन ना, जहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना तो होता ही है. तो यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क कि भाई हम नहीं होता है, हो गया आप तो मेंस क्लियर कर लिया. ठीक है? आपको पढ़ते रहना पड़ता है. इवन टिल द डे आई डिडंट गेट माई रिजल्ट ना, मेरे मेंटोर रवि सर ने फोन किया मुझे 12:30 के करीब में और 1:30 के करीब में, अब एग्जैक्टली याद नहीं है. इट टोल्ड मी कि महाराज आप हैं, मीन्स यू आर देयर, डोंट वरी. तब जा करके यहाँ अंदर में खुशी नहीं हुई थी. वो कहते ना इट्स लाइक लूजनिंग अप. यहाँ वो कहते ना एहसास, ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब 100 मेट्रिक टन का कुछ बोझा पड़ा हुआ था मेरे माथे पे, वो बिल्कुल खत्म हो गया. आई फेल्ट लाइक अ कॉटन कि भाई खत्म. तो इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है. क्यों? क्योंकि एट एवरी स्टेप स्टेज आइदर यू फेल और पास, यू हैव टू गो थ्रू दैट साइकिल. तो ये जो कॉमन सेंस का बकवास है ना, इसको तभी यूज करिएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड विद योर एंटायर बेसिक्स. और मैं अभी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एग्जाम में कॉमन सेंस काम नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है. इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट ओवर टाइम. और कॉमन सेंस कब काम करता है? जब सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं. अगर सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे ना, तो एट अ टाइम आप इतने बड़े आर्यभट्ट और तथागत तो हो नहीं कि आप बना लोगे कि भाई दिस इज हाउ द थिंग्स हैव कम, ये सोच के एग्जामिनर ने रखा है. तो ये सब जो बकवास है इनसे आप बाहर रहिएगा. स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स. ठीक है? वील गो विद द वेरी बेसिक्स, क्योंकि दैट इज द ओनली वे. ऐसा तो है नहीं कि हमें पंख लगेगा और उड़ के डायरेक्ट हम PI पे पहुंचेंगे. तो अगर हम यहां भी फेल होते हैं या पास होते हैं तो एक साल देना है, और अगर यहां भी फेल होते हैं तो यहां से डबल चैलेंज होता है. क्यों? फर्स्ट यू विल हैव टू डील विद द मेंटल फ्रस्ट्रेशन दैट यू आर गोइंग टू फेस. एंड द सेकेंड वुड बी इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, तो आपको प्रिलिम्स देना है. ठीक है? एंड थर्ड, अगर अच्छे से प्रिपेयर किया भी है और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो डबल प्रॉब्लम आती है. क्यों? क्योंकि और फ्रस्ट्रेशन क्रॉप अप होता है. तो ये कॉमन सेंस जो है ना, CS, ये तभी यूज करिएगा. देर आर प्री रिक्विजिट फॉर इट. वॉट आर दोज प्री रिक्विजिट? आपने बेसिक्स क्लियर कर लिया है. ठीक है? फर्स्ट. सेकेंड, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अब क्या. लेट्स से 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में आपने लेट्स से 25 क्वेश्चन से ज्यादा अब आपके बन ही नहीं रहे, ऐसे भी फेल हो रहे हो ना. देन यू कैन यूज योर कॉमन सेंस कि काश हम 20-25 क्वेश्चन और मार दें. स्टिल देर इज नो गारंटी दैट यू विल क्लियर द पेपर. हो सकता है आपने यहां पर ये 50 क्वेश्चन कर लिया, 50-60 क्वेश्चन कर लिया. स्टिल आई वुड गारंटी कि नोबडी कैन से विथ 100% श्योरिटी दैट ही इज गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन. इन केसेस में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो. देर इज अ थिंग कॉल्ड रिस्क एपेटाइट. क्या हम कहते हैं उसको? रिस्क एपेटाइट.
एपेटाइट का मतलब आपके खाने की क्षमता। बट ये रिस्क एपेटाइट मस्ट बी कैलिब्रेटेड। आपको पता होना चाहिए कि सामने हम जिससे जंग लड़ने जा रहे हैं वहां से मेरी क्षति कितनी है। इट मीन्स वॉट आर द कॉन्स ऑफ इट, वाई डू वी डू रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, ताकि मेरा जो रिग्रेट है वो मिनिमाइज हो सके। आपको लग रहा होगा फैंसी वर्ड बता रहा है, एमबीए एमबीए किया हुआ इसीलिए बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं है। आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस और अभी का अभी लिंक करके बताता हूँ। मेरा 2020 का अटेम्प्ट 25 नंबर से गलत छूटा। क्यों? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर 58 और 59 आई गेस। 25 नंबर से फेल हुआ था मैं प्रीलिम्स। 2021 22 के प्रीलिम्स के पहले पता चलता है हमें मार्क्स, उसके पहले पता भी नहीं चलता क्योंकि पेपर देने के बाद यू ओनली गेट टू नो वेदर यू आर देयर इन द दैट सो कॉल्ड होली पीडीएफ और नॉट। उससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। तो हमें पता क्या चलता है? हमें बस ये पता चलता है कि हम फेल हो गए हैं। और मुझे 2021 में पता चलता है कि मैं 2.5 मार्क्स से फेल हुआ हूँ। इट मीन्स कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, सही कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट थे 67 और 66 आई गेस, या 69 के करीब, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 67 और 69। इट मीन्स द रिस्क विच आई एम टेकिंग दे आर गेटिंग मी टू गोल्स, क्लोजर तो ला रहा है ना मुझे। तो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? कैलिब्रेटेड हो जाएगी। एग्जैक्टली, बढ़ेगी और कैलिब्रेटेड हो जाएगी। इट मींस आई विल बी वेरी मच हैप्पी दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। एंड देयर कम्स योर मेंटर, क्योंकि ऐसे आपको पता ही नहीं चलता है। हाँ बोलिए ना। उसमें सर आपने कितना श्योर थे, मतलब आप उसमें आपने रिस्क लिया था कि नहीं लिया था सर? यहाँ रिस्क हाँ। तो लेना ही पड़ता है। अगर मैं 58 अगर गारंटी से कह दूं कि सारे सही थे तो मैं तो मेंस लिख रहा होता ना यार। तो मतलब यहाँ तो ये तो पता ही नहीं था मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस वाज नॉट ओवर, बस पेपर देने गए थे, दुनिया वूका वर्ल्ड में जी रही थी। सर वो जब आप सेकंड पेपर दे दे तो आपने जो 67 मारा तो आपको लगा कि आप 2.5 मार्क्स के लिए रह गए। हाँ तो सर उस वाले पेपर में जब आप दे रहे थे तो उस साल जो 21 का प्रीलिम्स पेपर में आपने कितना आपको लग रहा था कि आपको आ रहा था और कितना आपने रिस्क ले लिया था? आई थिंक 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे नहीं आते थे। हाँ सर, उसके बाद रिस्क लेना पड़ा था मुझे। इसीलिए मैंने बोला ना कि रिस्क अगर आप नहीं लेंगे, सी आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी बट आई विल टेल यू द ट्रुथ, अपनी गलतियों को अपनाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। और क्यों शर्माना यार, जब तक तो बेसिक आपका मतलब आपने बेसिक कवर कर लिया। बेसिक्स कवर्ड थे, ठीक है। आगे बढ़े, अब आते हैं 2022 का अटेम्प्ट। आई क्लियर द इंटायर कट ऑफ शायद 88 था, मेरे स्कोर 100 प्लस है। इसका मतलब मेरी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ रही थी, बट एट द सेम टाइम मेरे रिग्रेट क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन दिस फैशन ना, कि आप रिस्क एपेटाइट बढ़ाओ, बट देर इज अ रूल, दिस मस्ट बी कैलिब्रेटेड, फाइन ट्यून्ड, एंड दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख बंद करके हम कहेंगे कि अब तो हम रावण की सेना से लड़ लेंगे। वो कहते हैं ना कि आदि पुरुष आप देखो आप खुश हो जाओगे, और क्या पड़ोस दिया, कचरा। हो सकता है किसी को पसंद आ रही हो, आई डू नॉट मीन टू हर्ट यू गाइज, भाई मेरी राम में, मेरा राम में अनन्य प्रेम है भाई, मुझे कचड़ा दिखाओगे मैं तो बोलूंगा कचड़ा। अब तुम राम को यार अब कुछ भी दिखा दोगे तो यार मुझे तो बुरा लगेगा, मेरे राम की कल्पना कुछ और है। सिर्फ अरुण गोविल वाली कल्पना नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे राम की कल्पना बहुत अलग है, ठीक है। तो यही होनी चाहिए। तो रिस्क एपेटाइट जो होनी चाहिए वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, फाइन ट्यून्ड होनी चाहिए, सो दैट की प्रॉब्लम ना हो आपको, और बेस्ड ऑन फैक्ट्स होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी करोगे फिर फेल हो जाओगे, फिर रोते रहोगे कि यार कोचिंग वालों ने ये कर दिया, वो तो मैडम ने कहा था, वो सर ने बोला था, 80 प्लस क्वेश्चन बना दूंगा मैं कॉमन सेंस से, नहीं बनेगा, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर रिग्रेट मिनिमाइजेशन। मुझे एक बात बताइए, मैंने जो स्टोरी बताई क्या वो गलत आपको लग रहा है कहीं पे भी? आई एम नॉट रिलेटिंग इट, हो रहा है ना? हाँ, सो ऑल विच आई एम टेलिंग यू, अगर आपको अभी भी डाउट है मैं स्कोर कार्ड भी भेज दूंगा। वैसे भेजने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यू विल टेक इट ऑन माई फेस वैल्यू, इतना तो लोग कर ही लेते हैं, जब बाकियों को कर रहे हैं तो मुझे भी कर लो, ठीक है। सो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना है कि वो कैलिब्रेटेड रहना चाहिए, और आपका रिग्रेट जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। अगर आप इस बेसिस पे काम करेंगे, सो देर इज अ थिंग कॉल्ड सक्सेस।
परसेंट वो इसी पे काम करता है। मैंने नौकरी 28 साल की उम्र में छोड़ी थी, वो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी रैश थी, जिसको कहते हैं ना पागलों की तरह कि भाई बस ठीक है कर देंगे, पर ठीक है दैट वाज द काइंड आई टुक। मेरे पास थे, अरे सर सरकार भी कहती है आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, मेरे पास 28, 29, 30, 31, 20 वाला अटेम्प्ट, 21 वाला अटेम्प्ट, 22 वाला अटेम्प्ट और 23 वाला अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तो मेरे पास थे ना, अगर 4 में नहीं होता तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ कि भाई मैं ही गधा हूँ, ठीक है। तो रिस्क आपकी टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, पर वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, विम्स एंड फैंसीज पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दैट मस्ट बी वेरी मच डिफाइंड। वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की तरह अनडिफाइंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट बी प्रिटी डिफाइंड कि दीज आर द थिंग्स विच ऑन विच विच आई हैव टू वर्क। सो ये हो गया, ये मोटिवेशनल सेशन खत्म कर देते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले इसकी बात कर लूंगा और इधर आ जाते हैं मेंस। अब मेंस में व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स, फर्स्ट इज योर एसे, एसे के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है, आप जो पढ़ रहे होते हो बस उसी के बेसिस पे आप सब कुछ अपनी जितने भी आपने पढ़ा है, एडिटोरियल पढ़ते हो, फिक्शन पढ़ते हो, बचपन से पढ़ने का शौक है, बहुतों को बचपन से पढ़ने का शौक होता है, मुझे नहीं था बचपन से, लेकिन हाँ आफ्टर अ टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग, 9th-10th के बाद से मैंने भी ऐसी ऐसी किताबें पढ़ ली जो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, कुछ भी पढ़ता था मैं, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी शायद बचपन से ही रही। तो फर्स्ट एसे, सेकेंड इज योर GS पेपर 1, GS 2, GS 3 एंड GS 4, लास्ट वील डील विद द ऑप्शनल पार्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे में कोई स्ट्रैटेजी बताने की जरूरत नहीं है, आई डील विथ डायरेक्टली GS 1। GS 1 में क्या क्या आता है हमारा, हिस्ट्री पार्ट विच इज मोस्टली फ्रॉम 1857 टू प्रेजेंट, दिस इज द पार्ट, देर आर सर्टेन आइडियोलॉजीज इन टू दिस ऑल्सो, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म ये सब भी आ जाता है यहाँ पे कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का कुछ मेजर सेक्शन होता है जिसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फेनोमेना होते हैं, साइक्लोन ये सारी चीज़ें, इवेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद आपका कुछ क्या बोलते हैं, उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पार्ट वेयर सबसे ज़्यादा हम क्या डील कर रहे होते हैं, आर्किटेक्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। और कुछ रह गया तो बता दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री वो पूरा का पूरा हिस्ट्री में डाल दो यार, सोसाइटी फ्लोज फ्रॉम योर हिस्ट्री ओनली, आप अभी आप जीवन में जो भी कर रहे हो दैट कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि सोसाइटी के लिए आपको 10 पेज पढ़ना है, इज इट रियली नीडेड, नॉट नीडेड, कैसे नहीं पढ़ना है वो मैं कारण दे देता हूँ। अब सी आई कैन नॉट रिलेट ईच एंड एवरी टॉपिक, बट व्हाट आई विल डू, मैं आपको ये चीज़ जरूर बता सकता हूँ कि हाउ यू विल फाइंड दोज कनेक्शंस, द मिसिंग डॉट्स। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आर टास्क इज नॉट टू बिकम द PhDs ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट्स, PhD तो नहीं करनी है कि JNU में प्रोफेसर बनना है किसी को, नहीं बनना है ना हमें, तो हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा सा स्कोर लेकर के आना है सो दैट वी अपियर फॉर द इंटरव्यूज, और वहां से भी वील अपियर फॉर द बेस्ट ऑफ दिस कोर्स एंड वील गेट अ रैंक। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि क्या आएगा, लेकिन आर टारगेट इज लाइक दैट ओनली कि वी शुड अपियर, माई नेम शुड अपियर इन टू दैट लिस्ट, दैट इज द ओनली पर्पज। तो हमारा पूरा पर्पज ये है कि हमें लिस्ट में नाम चाहिए, तो हमें 50 पेज की सोसाइटी या 15-15 पेज की सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कैसे लिंक करेंगे हम वो देख लेते हैं। What is society? Simply congregation of the people. Have you not read congregation of the people in the entire ancient? हम पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं क्या, पूरा का पूरा सोसाइटी नहीं पढ़ाया क्या हमने, हमने पूरा का पूरा कल्चर नहीं पढ़ाया क्या उनका कि how the people are there, what is the status of women in those days, क्योंकि हम पूरा का पूरा एक भूदेवी पढ़ते हैं वहाँ पे। तो क्या हम इन चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकते हैं, जरूरत है हमें एक पूरा का पूरा 50 पेज का कॉम्पेंडियम पढ़ने का, आई डू नॉट थिंक इट इज नीडेड, क्योंकि मैंने सोसाइटी के लिए कोई नोट्स नहीं पढ़ा, जो पढ़ा भी था वो कचड़ा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आई एम नॉट बीइंग ब्लंट ऑन दोज कोचिंग इंस्टीट्यूट, पर वो बहुत कचड़ा था, कुछ कुछ कॉन्टेंट मुझे सिविल्स डेली के भी कचड़े लगते थे, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, यहाँ दे रहा हूँ तो इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं तो बिल्कुल रैश कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सोसाइटीज़ के मैंने जितने पढ़े, अब आप ले लो, आप यू टेक अप एनी इंस्टीट्यूशंस, उनका सोसाइटी दो, वो कचड़ा, क्योंकि वो करना नहीं था हमें। आप IBC पढ़ते हो, वहाँ पे आपको सारा का सारा सोसाइटी आ जाएगा। आप जब वैदिक काल पढ़ोगे, वैदिक काल में क्या हम अर्ली और लेटर में पढ़ते हैं, तो क्या हमें
विमेन, या फिर हमें पूरा का पूरा सोसाइटी नहीं पता चलता है क्या? क्या हमें गृहपति नहीं पता चलता है? क्या हमें ग्रामीणी नहीं पता चलता है? क्या हमें कुलपति नहीं पता चलता है? तो हमें एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है? दुहित्री पढ़ते हैं हम कुल पढ़ते हैं, कुलापा पढ़ते हैं, हमें क्यों एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है? नॉट नीडेड. बट ये चीजें कब आपको हेल्प करेंगी? व्हेन यू आर एबल टू इंटरलिंक दोज थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो आई थिंक आपको एक्स्ट्रा सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई होप किसने पॉइंट आउट किया था सोसाइटी के लिए? आपने किया था ना. अब आपको समझ में आया मैंने क्यों सोसाइटी उसका पार्ट रखा था? क्योंकि आई कैन मेक दोज कनेक्शंस फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट ओनली. और ये पूरा का पूरा आगे तक चलेगा. इफ यू हैव रेड वेल यू विल बी एबल टू मेक कनेक्शंस. और कुछ जरूरत नहीं है. आप जब साउथ का संगम सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर वर नायर विमेंस हु हैड मैट्रिलिनियल. तो एक अलग से आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना उसका जरूरत है क्या कि आप बैठ करके एक पेज पढ़ रहे हो? दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू मी. मैं इसीलिए कहता हूं कि जो कचड़ा है अल्टल, तो सोसाइटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. और मैं आपको लकली एक चीज और बता रहा हूं, आप अगर भ्रम में जी रहे हैं कि दो पेज कैसे भरेगा, बहुत आसानी से भर जाता है. इतने में तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा. 60-70 वर्ड्स बड़े आराम से भर जाते हैं. सो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ऑन दोज थिंग्स. ठीक है, आप समझ रहे हैं इंटरलिंकिंग कैसे करना है. आई डू नॉट थिंक कि इससे ज्यादा करने की जरूरत है. अगर मुझे फिर लगेगा कुछ और कहीं पे इंटरलिंकिंग करना है, आई टेल यू. सोर्सेज बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं. आप आर एस शर्मा पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, बट अल्टीमेटली द पर्पस इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन. पर इसका मतलब ये नहीं है कि रामचंद्र गुहा उठा लेना. कचड़ा है, ठीक है. वो जो पीएचडी कर रहे हैं, I'm taking my words back, जो पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं है क्या बोलते हैं, योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत सारे वो भी होते हैं हमारे आर्टिकल 19 में लिमिटेशंस, पता नहीं किसके आइडियोलॉजीज को बुरा लग जाए. ठीक है, सो जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर दोज हु हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लीनिंग इनटू हिस्ट्री, दे कैन गो फॉर दोज बुक्स. पर हमारा पर्पस पीएचडी तो है नहीं, हमें रिसर्च स्कॉलर बनना नहीं है, हमें तो पेपर क्लियर करना है. तो इफ यू आर गोइंग टू लिंक योर एंटायर दोज थिंग्स इन दैट वे. एक चीज और, वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मतलब मैंने बोला ना, आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना, यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स. जैसे सपोज करो रशिया इज अ कम्युनिस्ट नेशन. क्या कम्युनिस्ट के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? हम लिख सकते हैं ना. पिछले 20-25 दिनों में तो, पिछले दो सालों में तो बहुत कुछ पढ़ ही लिया होगा हमने रशिया के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो हम इंडियंस आर मोर इन टू पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री सबको पता होता है. दैट दिस इज वन ऑफ द सुपर पावर्स, हैविंग कोल्ड वॉर, उसके बाद जर्मनी के साथ, उसके बाद ये वॉर, फिर यूएसए के साथ उनकी लड़ाई, हैविंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द चाइना, हैविंग बॉनहोमी विद देम, वी आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाइज 1971. अगर रशिया नहीं भी पता है तो अपने बारे में तो पता है ना कि रशिया हेल्प अस इन 1971, देन द न्यूक्लियर वाला पार्ट, देन उनके डिसइंटीग्रेशन के बाद से हमें नहीं मिला, सो वी गॉट इन टू आर ओन काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर थिंग. तो ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है. ये तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो किसी ना किसी दिन दिख जाता है. एनसी, मैं जो बोल पा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है. मैं आर्ट एंड कल्चर में इफ आई डील, देर वर केव्स राइट फ्रॉम कहाँ से, आई थिंक बिंदुसार से बनना शुरू हो जाता है. बिंदुसार इन राजगीर, विच वॉज अर्लियर नोन एज राजगृह. ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि आई यूज टू राइट. मैं पढ़ता था, जितना रिकॉल होता था मैं लिखता था. बहुत लिखा है मैंने, इसीलिए मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं की है, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कितना लिखना है, क्या लिखना है. एंड लकली इट हेल्प मी विद गॉड्स ग्रेस. ऑब्वियसली इसमें मेरा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा रही एंड आई क्लियर द पेपर, सो आई एम थैंकफुल टू हिम ओनली. बट हमारा पर्पस क्या है? हमें जो करना है हम कम से कम उस पर तो ट्रू रहे ना. हमारा पर्पस क्या है? पढ़ाई. अब कोई कहेंगे हमें याद नहीं होती, तो भाई पढ़ो, रटो, रट्टा लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है. आर एंटायर एजुकेशन सिस्टम हैड बीन बेस्ड ऑन रोट लर्निंग ओनली ना. अभी चेंज हुआ है एनईपी आकर के, और अब कह रहे हो हमें याद नहीं हो रहा. सो आई डू नॉट अग्री विद यू. हमने तो पूरा जीवन ही याद किया है यार, पूरा का पूरा रट के ही पास किए हैं हम. मैं तो और इंजीनियर हूं, एक दिन पहले बैठ के रटता था. सो मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री अभी उठाने की जरूरत नहीं है. वो आइडियल व्हेन वी विल कम द ब्लूप्रिंट पार्ट, वी विल टेक दैट. आई थिंक GS1 इज ओवर. अब एक चीज और बताइए, क्या आप आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ेंगे क्या अपने पॉलिटी के लिए? पढ़ेंगे ना, डन. ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ना. बस एक टॉपिक आप नहीं पढ़ते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेज अलग से. वो कितना लगेगा टाइम पढ़ने में मेरे को ये बता दो. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट,
मेरे को बस ये बता दो कि कितना डाउट रहा है आपको. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफलाइन, वी कैन सर्कुलेट द माइक. किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप बता दीजिए. सर आपने मेन स्पेसिफिक कुछ कंपाइल किया था क्या नोट्स में? कुछ प्रीलिम्स वाले यूज किए थे. कुछ प्रीलिम्स पूरी की पूरी. आई टेल यू द फैक्ट राइट नाउ कि मैंने पॉलिटी के लिए भी अलग से पढ़ाई नहीं की थी. मेरे GS2 के नोट्स जो थे वो पूरा का पूरा, अभी जब मैं GS2 में आऊंगा आई टेल यू मैंने पूरा का पूरा कैसे खत्म किया है. तो सर आपने जो पहले नोट्स बनाए थे वो एनालिटिकली थे क्या? एग्जैक्टली सारे के सारे कनेक्टिव थे. इफ देर इज समथिंग न्यू इन द एंटायर करंट डायनेमिक्स हम उसको पढ़ लेंगे. अब सपोज करो देर इज अ टसल गोइंग बिटवीन वन ऑफ द गवर्नर्स एंड वन ऑफ द CMs, क्या उसके लिए अलग से आपको पूरा का पूरा फिर से थीसिस करने की जरूरत है क्या? यू नो द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नाउ CM इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यू नो द डायनेमिक्स बिटवीन देम. गवर्नर इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, CM इज द रियल एग्जीक्यूटिव. देन कमिंग द रिलेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन देम, देर आर ओनली सर्टेन केसेज वेन द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल्स. अब उसके लिए क्या आपको जाके पूरी चीजें रटने की जरूरत है क्या? Even if it comes into the news, you know there are certain cases when if it is against the High Court's rule, if it is against the unity and integrity of the nation, if it is against threatening the basic sovereignty of the nation, if it is against the DPSP, हम reserve कर सकते हैं bills को. This is how the governor does. तो ये चीज़ें अगर मुझे याद हो सकती हैं 28 के बाद, तो if anybody is saying कि भाई मुझे नहीं हो रही हैं, so highly doubt. जब मेरे जैसा इंसान आफ्टर पढ़ाई छोड़ने के बाद 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं बैठ के रट सकता हूँ, तो आई वेरी मच थिंक कि आप करिए, जहाँ चाह होगी वहाँ राह होगी. और सर वो सोसाइटी का आपने बताया मतलब हिस्ट्री से लिंक करना है, तो उसके भी अलग से नोट्स बनाए थे कि मेमोरी. आपने से. आपने एंशिएंट के लिए तो पढ़ा, मैंने जो भी चीज़ें बोली कि विमेन का स्टेटस, देन द वैदिक काल, देन दैट काल, दोहित्री, भगिनी एंड ऑल एवरीथिंग, दोज वर्ड्स आर नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर लोकेशन, दोज वर्ड्स आर डिस्पैरेट एवरीवेयर हैविंग ईच एंड एवरी चैप्टर. मुझे क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मैंने हर चैप्टर को एक माइंड मैप के तौर पर क्रिएट किया हुआ है. मेरे दिमाग में अभी भी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द माइंड मैप. मैंने याद नहीं किया, एवरीथिंग कम्स इन टू इंटरकनेक्टेडनेस. That's all. अगर मुझे पार्लियामेंट बोलोगे तो मेरे दिमाग में तुरंत एक हेडिंग आती है, पार्लियामेंट, उसके 3 ऑर्गन, प्रेसिडेंट, उसके बाद LS, उसके बाद राज्यसभा, प्रेसिडेंट के नीचे पूरा का पूरा कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट हाउ ही इज बीइंग हटाया कैसे जाता है, व्हाट आर द 4 वेज कि कब कब वो हटता है, उसकी जगह पे कौन आता है, उसका इंपीचमेंट कैसे होता है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, 142 के तहत हम 143 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं, उसमें भी हम 2 फंक्शन, देर आर सर्टेन केसेज वेयर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई, देन देर आर सर्टेन केसेज वेयर ही हैज टू रिप्लाई. क्लियर है? ये चीज़ें मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि पढ़ने के बाद व्हेन आई रेड दोज थिंग्स मैं बैठ के माइंड मैप बनाता रहता था. क्यों? मुझे अच्छा लगता था. एवरीथिंग विच इज फेवरिंग योर एंटायर ग्रोथ आप वही करोगे, बट अल्टीमेटली लुक एट दोज थिंग्स कि वो लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए एंड मोरल होना चाहिए. दिस इज माई एंटायर रोल. ये क्यों आता है? क्योंकि आई वॉज अ कॉर्पोरेट गाई, तो दिस वॉज द रूल विच आई हैड टू फॉलो. एंड मोर और लेस आई वॉज इन टू अलायंसेज. जैसे किसी ने भी अमेजोन पे शॉपिंग की होगी, अगर ICICI के कार्ड पे 2000 का कुछ भी ऑफ मिल रहा है, थैंक मी, आई एम दैट गाई. एग्जैक्टली, हंसने वाली बात नहीं है, आई एम दैट गाई. मेरी वजह से वो रिलेशन क्रिएट होता था. अभी नहीं, मतलब इन दोज डेज, आपसे चार साल पहले. सो अलायंसेज में वी हैड टू फॉलो दिस लीगैलिटी, एथिकैलिटी एंड मोरालिटी. आप कहोगे लीगल के लिए क्या हमें स्टैट्यूट्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, यू आर रीडिंग एंटायर पॉलिटी. ठीक है, तो बस यही करना होता है. एंड इफ यू विल फॉलो दिस थिंग ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग इज नथिंग बट प्रोसेसिंग दोज एंटायर बेस्ट थिंग्स. अब जैसे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मेरे लिए दैट विल कम इन टू अ फॉर्मेट फॉर्म. पूरा का पूरा एल्गोरिदम क्रिएट रहेगा, मेरे को वहां से वो चीजें उठानी है, एक पर्टिकुलर वर्ड वो डाल दूंगा मैं, काम खत्म. इफ यू आर गोइंग टू डू दैट इन दैट वे, आपको हेल्प मिलेगी, जरूर मिलेगी. आगे बढ़े सर. इस मतलब आपका पेपर कंप्लीट होता क्या इस मेथड से? पेपर कंप्लीशन टाइम पे हो रहा है? लेके बैठा हुआ हूँ भाई साहब. नहीं, पहले मैं इसको मेन से पहले मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैंने गिन के 4 आंसर राइटिंग की हैं, और क्या बोलूँ भाई मेरे, मैंने सिर्फ 4 या 5 कॉपीज लिखी हैं. मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग भी नहीं की है, मैंने कोई 30+ GS कॉपीज नहीं लिखी हैं. फैक्ट एकदम लिख लो. अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लाइव हूँ, जिसको है हिम्मत जाके कहीं से भी फोरम के 3 कॉपीज या 4 कॉपीज के अलावा मेरी कॉपी कोई भी इंस्टीट्यूट वाला निकाल के दिखा दे, अपार्ट फ्रॉम सिविल्स डेली एंड फॉर MIS, ऑप्शनल के लिए मित्रा सर, कोई भी निकाल के दिखा दे, नहीं दिखा सकता क्योंकि आई हैड नो फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम एनी ऑफ दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट. सिविल्स डेली के साथ मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं था. आई हैड माई UAP प्लान्ड विद देम, मेंटरशिप थी मेरी.
ठीक है, विद फोरम वो कहते हैं मेंस गाइडेड प्रोग्राम, कोई गाइडेंस नहीं मिलती है प्लीज, तो वो सिर्फ कॉपी ही दिखा सकते हैं, वो ये भी नहीं कह सकते कि हमने तो बात किया है बच्चे से, नो सर यू हैवंट। तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मेरी मैंने हेल्प किया है मेरे को बता दे, नहीं किया है हेल्प, ठीक है, मैंने सिर्फ 4 या 5 कॉपीज लिखी हैं और इसका रिफ्लेक्शन मेरे स्कोर में जो मैं बता रहा हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर नहीं होता मैं नहीं बोलता। SAI स्कोर 108, GS1 आई स्कोर 104, GS2 आई स्कोर 113, क्यों याद हो गया है? क्योंकि रेगुलरली अभी बार बार मेरे को सेशंस देने पड़ रहे हैं ना कहीं कहीं, तो याद हो गया है। ये मत सोचना कि अहंकार में आके याद कर रहा है, नहीं वो याद हो गया है। GS3 का बुरा लगता है 75 नंबर, GS4 में 133, एंड ऑप्शनल पेपर आई स्कोर 288, इसके साथ दुख जुड़ा हुआ है इसलिए याद है, क्योंकि हमें पेपर पेपर वन में 30 मिनट 35 मिनट लेट मिला था। आई स्टार्टेड राइटिंग माई पेपर एट 9:45 टू 12:45 एंड सेकेंड पेपर फ्रॉम 2 to 5। इन पेपर वन आई स्कोर 134, इन पेपर टू आई स्कोर 154। यहाँ दुख जुड़ा हुआ है इसीलिए ये दिल के साथ बुरा लगता है, ये इसलिए याद है क्योंकि फिलोसफी में इतना अच्छा होने के बाद भी 108 नंबर आए, हो सकता है शायद ज़्यादा फिलोसफी लिख दी होगी, गुस्सा आ गया होगा इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। तो आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आई एम प्रीटी मच क्लियर ऑन माय वर्ड्स, कोई थोड़े ना मेरे को खर्चा चला रहा है कि नहीं नहीं आदित्य बोल देना यार प्लीज़ थोड़ा सा, ठीक है, ये तो करना नहीं है मुझे, जो है सो है। और इसीलिए मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर कोई कह सकता है कि भाई मेरा स्टूडेंट आओ प्रूफ करो, तुम पर्सनैलिटी इंटरव्यू के अलावा कहीं मेरा नाम नहीं लिख सकते क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आगे बढ़े, तो GS1 इज ओवर, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पूरा का पूरा पढ़ते हैं, दैट पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट इज कैन बी कंप्लीटेड इन 3 to 4 hours। अब यहाँ पे किसी भी कोचिंग वाले का कंपेंडियम उठा लो, अब तुम विजन उठा लो, सिविल्स डेली उठा लो, तुम ओनली आईएस उठा लो, सॉरी PW ओनली आईएस उठा लो, हाँ भाई नाम गलत नहीं ले सकते हो यार, मजाक हो क्या? पांडे जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे तुम पांडे होकर के हमारी कंपनी का नाम गलत ले रहे हो, तो PW ओनली आईएस ले लो, तुम इनसाइट आईएस ले लो, तुम आईएस बाबा ले लो, या XYZ लगा के कुछ भी आईएस ले लो, या आईएस पहले रख के XYZ लगा दो, तो उसकी कंपेंडियम उठाओ, वो मटेरियल सेम रहता है और वो काम आ जाता है। अब कुछ कुछ टॉपिक्स जिनके नोट्स आपको ज्योग्राफी में बनाने पड़ सकते हैं, जैसे जैसे साइक्लोन, एक अलग से पूरा का पूरा नोट बनाना पड़ सकता है, इसके क्या क्या इसके इम्पैक्ट आते हैं, इसके क्या क्या रीजंस हैं एंड हाउ टू टैकल देम। अब खैर साइक्लोन तो हम टैकल नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम राइटिंग क्योंकि आगे के जितने भी जो नोट्स बनेंगे, हीट वेव होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, और हमारा देश तो इतना ज़्यादा मतलब क्या ही कहा जाए, आए दिन कहीं ना कहीं कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं आइस स्लाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है, अगर नेचुरल नहीं हो तो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना है, इम्पैक्ट, रीजंस एंड हाउ टू टैकल। इम्पैक्ट को 3-4 पार्ट में ले लो, पॉलिटिकल नहीं होते हैं मोस्टली, थोड़े ना नेताओं को कोई फर्क पड़ रहा है, पर इकोनॉमिक तो बहुत कुछ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत कुछ होगा और सोशल बहुत कुछ होगा। इकोनॉमिक क्या भाई, पूरा का पूरा पैसा वैसा खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ एंड ऑल एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा का पूरा लिख दोगे कि भाई लाइन्स एंड ऑल, रोड ट्रैक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में, यातायात बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी इकोनॉमी क्या होती है, ठप पड़ जाती है, एंड देर इज अ कनेक्टिविटी चैलेंज ऑल्सो, तो उसको सोशल में डाल दोगे। इन सब चीज़ों को ना याद करने की जरूरत नहीं होती, आप खुद सोचो कि कल अगर आपके राज्य में बाढ़ आ जाए, लेट्स से जैसे मेरा राज्य बाढ़ के लिए तो फेमस है, इनफैक्ट कोसी इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है। तो अगर आप जानते हो या फिर आप अपनी जगह पे रह रहे हो, मैं क्यों बाढ़ ले रहा हूँ, मैंने उतना कोई बाढ़ फेस वेस नहीं किया है, गंगा में जल्दी उफान नहीं आता, आता है तो वो NIT के घाट तक माँ गंगा चरण छुआ करके चली जाती है, कहती है छू लो बेटा अब हम जा रहे हैं वापस। तो लेकिन देर आर सर्टेन केसेज ना जहाँ पे ज्योग्राफिकल इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो चैलेंजेस तो सबके सेम ही रहेंगे ना, रीजंस अलग हो सकते हैं, साइक्लोन बनने का कारण कुछ और हो सकता है, हीट वेव्स होने का कारण कुछ और हो सकता है, वाइल्ड फायर होने का कारण कुछ और हो सकता है, पर ये सारी चैलेंजेस जो क्रिएट करेंगे वो तो सेम रहेंगे ना। वो खुद को उस जगह पे रख लो और सोचो कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक वो उस तरीके से आप बना लोगे,
10 या 12 पेजर इसके लगते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वो भी मत करना, वहां से रट लेना, इट विल हेल्प यू। क्योंकि मैंने इसके नोट्स कम से कम इस हिसाब से बनाए हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी। ठीक है, आगे बढ़े। तो जीएस वन इज ओवर, नाउ कमिंग टू द जीएस टू पार्ट। यहां पे हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी, देन देर इज गवर्नेंस, देन देर इज आईआर, और कुछ है तो बता दीजिए। सोशल जस्टिस, ठीक है चलो यार सोशल जस्टिस डाल लिए क्योंकि इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। सोशल जस्टिस, वेलफेयर एंड ऑल एवरीथिंग, वल्नरेबल क्लासेस वगैरह सब उसी में आ जाएंगे। और कुछ है तो बता दो। नहीं, आगे बढ़े। अब इसमें देखते हैं, पॉलिटी सबसे मेजर होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ही पढ़ोगे। हाँ, ये तकरीबन 40% ऑफ द सिलेबस है। जो स्टैंड अलोन टॉपिक्स होते हैं जैसे सिटीजन चार्टर एंड ऑल एवरीथिंग, प्रॉपर्टी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये तो एथिक्स में भी पढ़ोगे, एथिक्स में डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं गवर्नेंस वाला पार्ट। गवर्नेंस वाले पार्ट में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हो, वर्किंग ऑफ विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका पढ़ ही लेते हो, कुछ बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ाओगे खत्म हो जाएगा। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में बैठ के स्कीम्स रटते हो, रटते हो कि नहीं रटते हो? एक्स्ट्रा करना है, दो पेज भरने में बहुत, मतलब ये मत सोचो कि वहाँ पे दिक्कत होगा, बहुत जल्दी भर जाता है। आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्दी भरता है, लिख के देख लेना। और लेकिन अगर नहीं भर पा रहे हो, इट मीन्स यू हैव नॉट रेड वेल। अगर मैं बोलूँ कि विमेन के लिए अभी 5 स्कीम्स बता दीजिए, याद नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है। आपके मुंह पे आना चाहिए कि मातृत्व वंदना योजना, उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, उसके बाद अनीमिया मुक्त भारत, ये सारे की सारे लाइन से आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आ रहा है तो 2-3 चीज़ें तो बहुत कॉमन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्यों? क्योंकि विमेन स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, पर विमेन के लिए तो है। ऐसा थोड़े ना कि मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं औरतों का अकाउंट नहीं खुलेगा भाई। ठीक है, तो 4-5 स्कीम्स लगा दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे हमें एक्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि जहां पे भी हम काम हो रहा है वहां पे क्रेचेस का एडिशन करवाया गया है, तो कुछ कुछ आपको थोड़ा क्रिएटिव तो होना पड़ेगा। अगर थोड़ा क्रिएटिव नहीं होंगे तो दिक्कत है। और अल्टीमेटली सामने वाले को दिखना चाहिए। मैं ये लाइन वाइज क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वहां पे जब आप इन चीजों को डील करेंगे ना, यू कैनॉट राइट पैराग्राफ्स, यू विल हैव टू राइट इन पॉइंट वाइज बुलेट हेडिंग्स। 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए या ABCD लिख दीजिए। जब आपको लगे कि ज़्यादा नहीं लिख पाइएगा तो ABCD लिखिएगा, क्योंकि मैं 90% श्योर हूँ कि इन्विजिलेटर और एग्जामिनर को नहीं पता कि ABCD में D चौथे नंबर पर नहीं ध्यान रहता है, वो इतने प्रेशर और उसमें चेक करना होता है। लेकिन 1, 2, 3, 4 लिखोगे तो उसको याद रहेगा, अच्छा चौथा नंबर का ही पॉइंट था। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ और। सोशल जस्टिस में 4-5 नाम रट लो, OBC के लिए सारा का सारा फंक्शन याद रख लो। हमने एक बॉडी भी बना दी है अभी, कौन से एक्ट के तहत जल्दी बताओ? 102nd NCOBC क्या हो गया है? नेशनल कमीशन फॉर OBCs, दिस इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आई थिंक। ठीक है, तो रट लो यार, अब हमको नहीं रटना है फिर भी रटवा रहे हो, रट लो, आपको याद होना चाहिए था 102nd। ठीक है, उसके बाद कैसे वो फंक्शन करता है, वो सबका सेम होता है, NCSC NCST सबका सेम है। ठीक है, सबका सेम है, तो रटने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली रिकॉल दोज पर्टिकुलर आर्टिकल्स, यू रिकॉल दोज पर्टिकुलर नेम्स एंड प्लग इट देयर। OBCs के लिए कोई स्पेशल स्कीम्स है उनको याद कर लो। सिमिलरली गोज फॉर SCSTs के लिए देर आर 2 बॉडीज, एक तो भाई वो बॉडी हो गई, उसके बाद देर इज सफाई कर्मचारीज के लिए एक अलग से बॉडीज बनी हुई है क्योंकि दैट इज अनटचेबिलिटी पार्ट। उसके बाद पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं, आर्टिकल 14 इक्विटी की बात करता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या उसके लिए आपको अलग से किताब पढ़नी है क्या? एंड आई एम गारंटीइंग यू, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, आप क्वेश्चन दो मैं लिख के दिखा सकता हूं, कोई बकवास नहीं, मैं लिख के दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से मैंने एल्गोरिदम क्रिएट कर रखा था और आपको भी वैसे ही पढ़ना है। अगर आप वैसे पढ़ेंगे ना, रिवीजन बिकम्स फास्टर। अगर आपने किसी टॉपर को यह कहते सुना है ना कि मैंने तो 15 बार पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, सॉरी सर, यू हैव नॉट रेड द इंटायर लक्ष्मीकांत। आपने 3 से 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, उसके बाद आपने नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज किया है। दिस इज वॉट आई हैव डन ऑल्सो, और मैं अब एकदम ब्लंटली कह सकता हूँ कि मैंने 25 बार पढ़ा होगा। मेरे लिए पार्लियामेंट को रिवाइज करना 15 से 20 मिनट का काम होता था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मैप दिखता था मुझे, और इफ यू कैन क्रिएट दोज मैप्स, बहुत जल्दी पेपर क्लियर होगा। मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा का पूरा रब करना पड़ेगा।
ठीक है मैं कर दूंगा। पहली बार में तो आपको समझ नहीं आता, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मैं मतलब मैं इन बहुत मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने पहली बार किताब पढ़ी मेरे मैं लिटरली मुझे उस दिन यकीन हो गया मैं गधा हूँ, नहीं समझ में आती है लिटरली। भाई साहब ऐसे मत देखो यार, सच में समझ में नहीं आती है, आप डरा रहे हो ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कि मतलब सच में समझ में नहीं आती है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ नहीं समझ में आती है। दूसरी बार जब मैंने पढ़ा, क्योंकि डिस्पैरिट होती है ना चीज़ें, जैसे पहला का पहला पूरा यूनिट क्या होता है भाई, तुम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहे हो, फिर तुम यूनिटी यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा रहे हो, फिर फंडामेंटल राइट घुसा दिया, फिर तुम अचानक से कुछ और घुसा देते हो, डीपीएसपी घुसा देते हो, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज घुसा देते हो, फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के तरीके बता देते हो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बता देते हो, अभी तक ये दिमाग प्रोसेस कर ही रहा होता है, तुम अचानक से कहते हो आ जाओ बैठो 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 प्रेसिडेंट पढ़ाते हैं, अरे भाई पहले पार्लियामेंट दे दो यार तुम। तो चीज़ें इतनी डिस्पैरिट थी कि आई कुड नॉट मेक सेंस ऑफ इट। तो मुझे एक बार तो पढ़ के समझने में लगा कि हाँ दिस इज हाउ द थिंग्स आर, और दूसरे बार जब मैंने पढ़ा तो मैं पढ़ने के साइमल्टेनियसली नोट्स बनाता गया, क्योंकि अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी। ये क्यों आती है मेरे में, क्योंकि अक्षत जैन सर की एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि तुम मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर दे दो, अगर मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा नोट्स बना के मुझे समझ में नहीं आएगा। मेरे पे तो यही लागू होता है, आप पे क्या लागू होता है यू कैन टेक इट ऑन योर ओन, अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही है तो ये तरीका कर लो। ठीक है आगे बढ़े, लास्ट में मैं बना दूंगा। अब आते हैं आईआर वाले पार्ट के लिए, कोई स्टैंडर्ड बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का क्वेश्चन था I2U2, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि 700 पेज की किताब खरीदने की ज़रूरत थी, और वो किताब बहुत घटिया है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, मत खरीदना कोई भी किताब। पता नहीं आप लोग कौन सी किताब पढ़ते हो, पर मुझे जो किताब सजेस्टेड थी बहुत घटिया थी। आप खरीदी थी, मैं मेरे चैनल में अपलोड कर दूंगा, मैं पहले पेज के बाद तुम्हें कहीं पे लाइन नहीं दिखेगी एक पेज पे, 700 रुपये या 600 रुपये लगे थे, अभी भी मतलब मैं गाली तो अब नहीं देता हूँ, आई एम इन टू अ पब्लिक लाइफ नाउ, क्योंकि लेकिन जब तक पब्लिक लाइफ में नहीं था वहाँ पे वो प्राइवेट लाइफ था, तो मैं तो मन भर गाली सुनाता था उनको कि मतलब और टॉपर्स सजेस्टेड रीडिंग में डाल देते हैं रीड दिस बुक बाई टो, तो भाई ये बकवास है। I2U2 पढ़ने के लिए आपको अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स में हर महीने रहता है, और I2U2 में कम से कम 4 वाले कंट्री हैं, इनको रेफर्ड क्वाड भी कहा जाता है, वेस्ट क्वाड भी कहा जाता है, ये चीज़ें आपको कोई किताब नहीं सिखाएगी, यू विल हैव टू बी अटेंटिव इनफ टू द करंट अफेयर्स दैट्स ऑल। और दो पेज से ज़्यादा भरने के लिए नहीं आता है, श्रीलंका पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, क्या उसके लिए आपको 700 पेज पढ़ना है क्या? पूरा देश जानता है कि श्रीलंका क्यों फेल हुआ, कोविड का चैलेंज था, छोटी कंट्री है, टूरिज्म बेस्ड है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा, 4-5 तो मुझे अभी तक याद है यार, तो जो रेगुलर पढ़ रहे उनको क्यों नहीं याद रहेगा। यहां पे बात आती है कॉमन सेंस की, कि वो कॉमन सेंस क्यों काम कर रहा है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है ना यार, तुम बेसिक्स क्लियर रखोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सीसेट पे भी बात करेंगे, ठीक है नेक्स्ट। तो आपको लगता है कि I2U2 अलग से, देखिए जहां पढ़ने की जरूरत है वो मैं बता देता हूं, आपको UNO पढ़ना पड़ेगा, या आप इकोनॉमी में भी पढ़ लोगे, इसके पूरी 6 इसके जो ऑर्गन है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो करंट अफेयर्स में एक जगह नहीं मिलेगा। जहां यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन पेन स्टिकिंगली, यू हैव टू टेक नोट कि भाई 2 घंटा बैठ करके हम पूरा का पूरा UNO पढ़ें और खत्म करें और उसका नोट्स बना के रख लें, क्यों? क्योंकि बार बार वो 40-30 पेज का विकिपीडिया या कोई बुक या फिर कोई रेफरेंस मटेरियल मुझे फॉलो नहीं करना पड़े, क्लियर है? उसके 15-16 एजेंसीज होती हैं, 16 आई गेस है ना, 16 एजेंसीज, उन 16 एजेंसीज को कोई किताब एक जगह लिख के नहीं देगा, अगर देगा भाई बहुत बढ़िया है, चुपचाप उस 4-5 पेज को फाड़ लो, मैं फाड़ लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली द पर्पस इज टू क्लियर द एग्जाम। रख के क्या पेपर क्लियर करके देना है क्या किसी को कि भाई अब मैं क्लियर, अब मेरी बहन क्लियर, मेरी गर्लफ्रेंड क्लियर, मेरा बॉयफ्रेंड क्लियर, ये तो नहीं करना है, ना ही पिताजी कहेंगे कि अब हम बैठ के दुकान चलाएंगे कि भाई आओ ये वाली किताब थी, नहीं होगा ना। सो वट एवर वर्क इन योर फेवर टेक इट एंड डू इट, ज्ञान जहां से मिले ले लो, गधा भी ज्ञान दे तो ले लो, ठीक है। UNO आपको पढ़ना पड़ेगा, WTO पढ़ना पड़ेगा, कहां से पढ़ोगे? इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, पूरा का पूरा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे उसके बाद WTO का पूरा पढ़ना होता है, क्यों? क्योंकि देयर इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ट्रेड, देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरे का हमारे साथ, वो क्या चल रहा होता है, कभी इधर डेफिसिट होता है, कभी उधर डेफिसिट होता है, ठीक है। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस, मैं मतलब कपिल शर्मा का सो ना लग रहा हो बस, ठीक है। अब
अब आते हैं GS3। यार अब इस पे क्या ही ज्ञान दो, लोग कहेंगे 75 नंबर ला रहे हो तुम ज्ञान दे रहे हो। यहाँ पे हमें 3 चैप्टर्स हैं, एक इकोनॉमी, दूसरा एनवायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक आता है आपका साइंस एंड टेक। अब अगर किसी के पास भी अगर करंट मतलब कि वो है GS का सिलेबस है, आप पढ़ लेना, साइंस एंड टेक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है लेटेस्ट एडवांसमेंट्स एंड अचीवमेंट्स। हमें किताब इतनी मोटी पढ़ने की क्यों जरूरत है, यहाँ 6 to 10 पढ़ रहे हो ना यार, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, स्पेस एंड टेक में पूरा का पूरा डिफेंस पढ़ोगे, हेल्थ पढ़ोगे, बायोटेक पढ़ोगे, फलाना ढिमकाना कम्युनिकेशन पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे, लेटेंसी पढ़ोगे, 5G आएगा, 6G टेस्टिंग आएगी, हुवाई को बैन कर देंगे तो LTE को बैन कर देंगे, तो भाई उसके लिए अलग से अब एक किताब पढ़ने की क्या जरूरत है जब वो रेगुलर न्यूज़ में है, और जो 10 साल से न्यूज़ में नहीं है वो नहीं आएगा, और अगर वो आएगा इट मीन्स कि दैट हैज़ मेड एन इम्पैक्ट विच इज़ सो वाइड कि आपको पता होना चाहिए। बहुत क्लियर हूँ मैं इस बात पे। अगर कोई कह देता है कि नाउ UPSC इज नॉट बीइंग वेरी क्लियर ऑन द करंट अफेयर्स बट कंटेम्पोरेनस, भाई आई डू नॉट अग्री एट ऑल। इकोनॉमिक्स के लिए एनी स्टैंडर्ड बुक, मृणाल पटेल उठा लो, या फ्री बुक्स मिलती हैं, रमेश सिंह आती है, इनफैक्ट सिविल्स डेली में सजल सर हैं, उनसे मेरी जब भी बात हुई है ऑन इकोनॉमी वी हैव डेल्ट ऑन अ ग्रेट रेट। अब पता नहीं आप लोग को कितना पसंद आए पर भाई मुझे कॉन्वर्सेशन ज़्यादा पसंद है, लिख के पढ़ाने वाला नहीं। या तो मुझे रीडिंग करने के लिए दे दो किताबें, या तो तुम बोलो मुझे पढ़ाओ मत, तुम पढ़ा नहीं पाओगे, शायद मैं गधा हूँ, मैं ले नहीं पाऊंगा तुमसे। Why would I question somebody's authority to teach? It is my inability to be able to understand. तो मैं क्या करता हूँ, या मैं खुद ही किताब पढ़ लेता हूँ, या तो I indulge in conversations. क्योंकि in conversations I have a dialogue kind of a thing. भाई monologue नहीं रहता, मैं खुद public speaker हूँ, मुझे पसंद नहीं है भाई तुम monologue करके जाओगे, या तो पीछे रख दो मुझे या तो आगे रखो, बीच में वाला सीन नहीं है मेरा, ठीक है। इकोनॉमी इज क्लियर, इन्वायरमेंट के लिए देर इज वन सजेस्टेड बुक, शंकर IAS, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि शंकर IAS से पूरा नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि देर इज अ थिंग कॉल्ड डायनेमिक पार्ट। अब डायनेमिक पार्ट में परेशानी क्यों आती है, क्योंकि देर आर एक्ट्स इन्वॉल्व, देर आर प्रोविजन इन्वॉल्व, देर आर स्टैट्यूट्स इन्वॉल्व, देर आर अमेंडमेंट्स इन्वॉल्व। क्या उसके लिए कोई किताब एक जगह करके देगा क्या आपको, नहीं देगा। वो किसका काम है, वो हमारा काम है। शंकर IAS में भी मैं दिखा सकता हूँ सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को एक जगह करने के लिए एक पूरा का पूरा नोट मेकिंग करना पड़ेगा, दैट विल टेक सम टाइम, पर आपका काम तो आसान हो जाएगा ना यार, आपको बार बार जाके खोजना तो नहीं पड़ेगा। अगर उससे भी आप कतरा रहे हो तो आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, फिर तो दिक्कत है, फिर बहुत तकलीफ है। आप ये मत करना, आपको करना पड़ेगा, आप डिस्पैरिटली, क्योंकि देखो बार बार पढ़ रहे हो तो डिस्पैरिटली टाइम तो वेस्ट कर रहे हो ना, और अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, आपके जहन में नहीं रह रही हैं, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स, देन इट इज ऑफ नो यूज। पर्पस क्या है अल्टीमेटली, इट इज टू सर्व माई विल। अगर मेरा विल ही पूरा नहीं हो रहा है तो मैं किताब लेकर के सर ही फोड़ रहा हूँ ना, तो वो कर लो, हो गया। इसके अलावा देर इज अ थिंग कॉल्ड मैप पार्ट, मैप के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करना, कुछ बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे, मैंने जिनसे पढ़ा था वो थे सुदर्शन गुंजर, कर लो, फ्री में पढ़ा हुआ है, कोई एसोसिएशन भी नहीं है उनका, है तो है, रहने दो, फ्री में दे रहा है ना, ले लेंगे। हमारे यहाँ बिहार में देर इज अ वेरी फेमस कहावत कि तुम जहर भी दे दो तो हम ले लेंगे, फ्री का, हमको मत दे देना तुम, हम रखने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मैप के लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं, सुदर्शन सन के 15-15 वीडियो हैं, निपट जाएंगे, या फिर अपने मेंटोर को पकड़ लो, वो बता देंगे कि क्या करना है। आई टोल्ड यू व्हाट आई डिड एंड लास्ट द GS4, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डील कर लेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू GS4 डिटेल्ड पार्ट आई डील इनटू द ब्लूप्रिंट पार्ट, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मैंने आपको वो चार्ट बताया कि क्या जरूरी था, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी आ जाते हैं, कर दे रब, ठीक है, आगे आते हैं। आपने क्या बोला, इंटरनल सिक्योरिटी, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का लोगे, पूरा का पूरा ले लो यार, इंटरनल के बाद आउटर भी ले लो, सिर्फ इंटरनली वी आर नॉट परेशान,
अब कहोगे कैसे बनती हैं टॉपिक। आपने FCRA पढ़ा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों पढ़ा रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी में, क्यों? क्योंकि देर आर स्टेट एक्टर्स, फर्स्ट स्टेट एक्टर्स किसको फंड करते हैं, स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स आर दोज एक्टर्स विच आर डायरेक्टली इन कोरिलेशन विद समबडी, जैसे ISI। ISI का लिंक क्या है पीछे, उसका पीछे बाबूजी कौन बैठे हैं उसके, पाकिस्तान। सिंस ही इज इन डायरेक्ट एसोसिएशन विद पाकिस्तान, सो वी विल कॉल हिम स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर कौन होंगे, मुजाहिदीन का कोई भी आदमी। क्लियर है? क्या इसके लिए अलग से किताब पढ़नी है? पढ़ सकते हो, टेक योर टाइम, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लिंकेजेस बहुत आसान होनी चाहिए। अगर ये पढ़ना है, यू सिंपली टेक अप अ बुक एंड रीड, ये जरूरी है, रादर देन मेकिंग यू समबडी टीच देम। अल्टीमेटली मुझे पता होना चाहिए कि स्टेट एक्टर होता क्या है। मुझे शशि थरूर तो बनना नहीं है, हाँ चेतन भगत से भी काम चल जाएगा, इतनी घटिया इंग्लिश तो वो भी नहीं लिखता बेचारा, लिखता है स्टोरी और वो कंटेंट खराब होता है, पर इंग्लिश तो ठीक ठाक ही रहती है, तो कंटेंट तो तुम्हें लिखना है। बट द वे ऑफ लैंग्वेज, द लूसिड प्रेजेंटेशन दैट ही डज, वो तो हम कॉपी कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं, हाँ तो वही आप भी कर लीजिए। अब समझ में आया FCRA क्यों आया, क्यों? क्योंकि देर वुड बी सम नॉन स्टेट एक्टर्स। कहाँ से आते हैं, इंटरनल में निक्सालिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एनजीओज एक्टिंग एज रोग। बहुत सारे एनजीओज अपना ऑडिटिंग नहीं कराते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं कराते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, और जब भी देश में कुछ भी, इवन इफ देर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ योर स्पीच और योर ओपिनियन, वो उसको जाकर के क्या करते हैं, गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। लेट्स से आई विल टेक अप वन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, CA, ठीक है। CA के लिए क्या हुआ, नॉट द टॉपिक इज कॉन्ट्रोवर्सियल बट द एसोसिएटेड फिनोमेनाज आर कॉन्ट्रोवर्सियल। CA इज अ वेरी, दैट्स अ लॉ कैन नेवर बी रॉन्ग और बैड, वो तो भाई तुम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में डालो, सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी देखेगी, बट आई थिंक एट प्रेजेंट CA इज वैलिड, यही है ना कि नहीं है, है? अब आते हैं इस पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना, नहीं है, अरे आर्टिकल 19। लेकिन इस प्रोटेस्ट को अगर आप रंग में भंग मिला दोगे तो क्या वो नॉन स्टेट एक्टर्स काम नहीं कर रहे क्या, फंडिंग नहीं हो रही थी क्या, देर वर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नो। तो मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं, व्हाट आई एम सिंपली टेलिंग इज कि अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखोगे हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक बड़ी प्यारी चीज, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय फिलोसफी क्वेश्चन। फिलोसफी पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन, आई थिंक प्रोटेस्ट पे ही था, आई थिंक कि इज प्रोटेस्ट अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन और नॉट, और यह क्वेश्चन मेरे पास तीन बार आएगा, अभी आएगा GS2 में भी, उसके बाद फिलोसफी में भी, और सेम क्वेश्चन मेरे से इजराइल में पूछा गया था इंटरव्यू पार्ट में। नाउ कैन एनीबडी टेल मी इजराइल में एक प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, एनीबडी अवेयर अबाउट द सेम, कोई आइडिया नहीं है, एग्जैक्टली पढ़ता है लड़का, बहुत मेहनत करता है, थैंक यू सो मच, हाथ मिला लो यार, अरे नहीं। तो देखो, यू आर अवेयर अबाउट योर दोज थिंग्स, हंसने वाली बात नहीं है, यू विल डू गुड। देखो लिखो तब ना जब तुम पढ़ सको, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो लिखोगे कहाँ से। तो फर्स्ट यू नीड टू रीड अ लॉट, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिप्लीकेट होगा, पर सिर्फ पढ़ना नहीं है, देयर शुड बी अ वेरी एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व इन टू दैट। अगर आप एक्टिवली नहीं लर्न करोगे प्रॉब्लम है। हो सकता है आई एम लकी दैट आई क्लियर्ड माई कैट, उसकी वजह से मुझे आदत थी पढ़ने की, तो आई वॉज लकी, बट दैट कैन बी डेवलप्ड ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भाई एलॉन मस्क से फ़ोन पर बात करके पूछना पड़ेगा कि सर वो ट्विटर वाली कुछ करवा दो, ऐसा तो नहीं होगा। इट्स एन आर्ट, वो सीख सकते हैं, और कोई पेंटिंग वेंटिंग भी नहीं बनानी, पढ़ने की कला है यार, बेसिक लिटरेसी है, पढ़ना सब कोई जानता है, तो हम कर लेंगे, वो हो जाएगा। अब प्रोटेस्ट में मैंने एग्जांपल क्या यूज़ किया था, हमारा पेपर कब हो रहा था, सेप्टेम्बर मिड में क्रैकडाउन हुए थे क्या किसी इन ऑर्गेनाइजेशन पे, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन उठा के डाल, ये एग्जांपल यूज किया था मैंने जब घर पे आके बताया, मतलब दोज हुअर फ्रेंड्स इन माइंड, उन्होंने कहा अरे यार तुमने गलत यूज किया, देर आर मेनी कॉमीज, ये वो लंद फंद पता नहीं क्या क्या, बट आई थिंक माई स्कोर्स इज इट अदरवाइज, आई स्कोर 154। तो आप अगर अपने स्टैंड को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रैशनली डिफेंड कर सकते हैं ना, वो कितना भी आउटरेजियस क्यों नहीं हो,
कितना भी आउटरेजियस क्यों नहीं हो, क्योंकि हम उस जमाने में तो जी नहीं रहे मिडिवल एजेस में, जब एक फिलोसोफर ने ये प्रपोज कर दिया कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द आर गैलेक्सी बट सन सेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक, जहर दे दिया गया. एरिस्टोटल वॉज किल्ड फॉर द सेम, नॉट एग्जैक्टली एरिस्टोटल डिडंट से दिस, बट उसके थ्योरीज भी इतने ही आउटरेजेस हुआ करते थे. तो आज के समय में तो वी हैव दैट मच ऑफ लिबरल इकोनॉमी, लिबरल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड उसे दैट कि तुम इतना भी आउटरेजस आइडिया दो, नो मैटर हाउ आउटरेजस इट इज, अगर वो रैशनली तुम डिफेंड कर सकते हो, विल लिसन टू इट. एंड देर इज अ कोट ऑल्सो बाई इवलिन बिट्रिस हॉल दैट आई मे डिसअग्री टू वॉट यू से बट आई विल डिफेंड इट विद द लाइफ. ये किसी मेल पे एट्रीब्यूट मत कर देना, ये रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू सम अदर फिलोसोफर, बट दिस लाइन इज फ्रॉम इवलिन बिट्रिस हॉल, वो उसकी स्टूडेंट थी और उसने उसके नाम पे ये फॉलो होता है. तो आप अगर अपनी स्टैंड को अगर रैशनली डिफेंड कर सकते हो, लीगली डिफेंड कर सकते हो, लीगल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, देर इज अ प्लेथरा ऑफ आर्टिकल्स दैट यू नो, और अगर प्रीएम्बल भी याद है तो यू विल बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ. प्रीएम्बल ही पढ़ लो, कम्स फ्रॉम द पीपल, वी द पीपल, नेचर ऑफ स्टेट इज सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, है ना, पूरा का पूरा. और उसके बाद क्या है, वॉट इज द इसको, वॉट इज द इन्विजन ऑफ आर कंट्री, हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, होना चाहिए ना, एक्सप्रेशन होना चाहिए. उसके बाद और क्या क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीथिंग होनी चाहिए, है ना कि नहीं है. उसके बाद अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, बॉनहोमी ऑफ द नेशन. अगर आप इतना भी डिफेंड कर ले रहे हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है, आप लीगल नहीं हो क्या, एथिकल अलग से सीखना है क्या, कोई एक बार कह दे कि मैंने गलत काम किया है और यहाँ पे मेरे आवाज़ नहीं आई है कि तू गलत कर रहा है, कोई कह दे. सिंस आई नो यू ऑल आर सेम पीपल, यू आर गोइंग टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ द हाइएस्ट स्टेचर इन द कंट्री, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी गलत करोगे, सो आई कैन से इट वेरी रैशनली कि अगर आप एथिकल नहीं रहोगे, यहाँ से आवाज़ आएगी, देर वुड बी अ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. तो आप ऐसे अगर लिंक करोगे, इट विल डू यू ग्रेट. अब आ जाते हैं किस पे, आपको पहले मैं वो दिखा दूं ना कि आप कैसे लिंक करते थे. चलो लेट्स से पार्लियामेंट ही ले लेते हैं. पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन, हाँ तीन, प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा, देन लोकसभा. अब एक सिंपल सी चीज सोचो कि अगर तुम घर भी बनाने जा रहे हो तो तुम कहोगे ना कि देयर वुड बी सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ इट. तो यहाँ कॉम्पोजिशन चाहिए होगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन चाहिए होगा, इलेक्शन कर लिया है तो भाई उसको हटाना भी तो पड़ेगा ना. अगर कोई घर में बकवास करे, अगर पति पत्नी मैरिड हैं, अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो अल्टीमेटली देयर वुड बी सम डिवोर्स, तो डिवोर्स करा देते हैं, इनका डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. इलेक्शन में आपके दो तीन चीज़ें आ जाएंगी कि सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ लॉ है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कहा गया है कि नहीं कहा गया है. लॉ में आरपीए 1951 आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी आर्टिकल है आप लिख दोगे वहाँ पे, ठीक है. यहाँ के बाद आप सीधे सबसे पहले क्या आ जाओगे, मेंबर्स पे. मेंबर्स में सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है आरएस का, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, हु इज दैट, वाइस प्रेसिडेंट. अब एक बात करो, अगर आपने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लिखा है, क्या यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के आपने जो भी पढ़ा है वहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते हो क्या. अब इसके कुछ कुछ फंक्शन था आपने वाइस प्रेसिडेंट में भी पढ़े हैं, पर इसके स्पेसिफिक पढ़ने के लिए ये तो सारी के सारे आरएस का जो मेंबर होता है, जो हमारा स्पीकर होता है, उसके सेम ही होता है ना. हमें क्या करना है, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन के लिए यहाँ पे एक लाइन बना देंगे और इसको लिख देंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन स्पीकर एंड चेयरमैन, चार लाइन में ख़त्म. हटाने के लिए देर इज अ थिंग कॉल्ड स्पेशल, एक वोट होती है ना किसके पास, स्पीकर के पास, कि इन इवेंट ऑफ हिज रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्पीकर के पास एक वोट होता है कि वो ही कैन वोट इन हिज ओन रिमूवल वाला पार्ट, पर चेयरमैन के पास वो चीज़ नहीं होती है. ये चीज़ें नहीं बनेंगी क्या आपसे, टेल मी, बन जाएंगी ना. तो ये तो विजुअलाइजेशन का पूरा खेल है. एंड मैन इज दैट कॉम्प्लेक्स अ पर्सन हु कैन सिंपली वॉट ही कैन डू, वो चीज़ों को आसान करता है. कॉबवेब्स में भी वी फाइंड थिंग्स विच आर सिंपल इन नेचर, तो अगर हम ये कर सकते हैं तो काम हो जाता है.
आगे बढ़े, जीएस फोर पे आ जाते हैं। ओके सबसे पहला एथिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन रिलेशंस होगा जो भी है, ठीक है। दूसरा एप्टीट्यूड या एटीट्यूड होगा, तीसरा इन दोनों में से कोई होगा, या तो एप्टीट्यूड ऊपर होगा या तो नीचे होगा। चौथा इमोशनल इंटेलिजेंस, पांचवा फिलोसोफर्स अराउंड द वर्ल्ड, उसके बाद दो टॉपिक तुम्हारे जो होते हैं वो गवर्नेंस के होते हैं। क्या अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? देर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने कोई किताब अलग से नहीं पढ़ी है। और लास्ट क्या होता है आपका? केस स्टडीज़, या दो टॉपिक्स होते हैं तो 6 और 7, एंड 8th वन इज़ केस स्टडी। मैंने सिलेबस याद नहीं किया था, पर चूंकि मैंने माइंड मैपिंग क्रिएट की थी तो आई हैव एन वेरी क्लियर कट आइडिया कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर। सो बिफोर वी गो इन टू दिस, मैंने अभी बस एक सिलेबस के तौर पे आउटलाइन कर दिया था, मैं आपको ब्लूप्रिंट दे देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। सी दिस माइट बी चेंज्ड, आप अपने हिसाब से कर लेना, बट दिस इज समथिंग विच आई एम गिविंग अ वेरी रैशनल बेस्ड ऑन माई जो मैंने किया था। We are into mid of June, almost, we are roughly 13 days left. तो हमें जून, जुलाई, अगस्त और मिड सेप्टेम्बर तक का टारगेट करना है अभी। उसके बाद फिर we'll take up the next. We'll take up two subjects over these entire. The first would be polity. क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री ले लोगे, अगर जिसको हिस्ट्री पढ़ना है, सो आई विल टेल यू द चैलेंजेस फर्स्ट। हिस्ट्री ले लोगे भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। सो डू वन थिंग, लास्ट समय में पढ़ो, फ्रेश इन टू द मेमोरी, प्रीलिम्स दो, और उसके बाद तुरंत जब रिवीजन के मोड में आओगे तुरंत पेपर दो और दिमाग से कचरा हटा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, रट के बाबर ने किसको क्यों मारा, घर से छोड़ के भाग के आया था फरगना से इधर, क्या करना है? मर गए यार, दफन हो गए। जब जो जरूरत है जितना वो कर लेंगे, नहीं है जरूरत उसको हटा देंगे। I'm not saying all history is bad, but history के कुछ पार्ट जिसके काम नहीं है, भाई हमें डेट्स रटना है, उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। So we'll take up polity as a subject, and second would be economy as a subject. Why I am asking you to take up these two subjects? क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे ना, तो so called topper suggested the Hindu नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपको हिंदू का मेक सेंस करना है, मेकिंग अ सेंस आउट ऑफ इट विच इज नॉट वेरी कॉमन फ्रॉम द हिंदू, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी वर्ड वार मेडी जी की नॉलेज चाहिए होती है। अगर वो नहीं रटा हुआ है, यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस, और अगर रटा हुआ है तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि देर वुड बी मैक्रो इकोनॉमिक थीसिस, माइक्रो इकोनॉमिक, और पता नहीं क्या क्या होता है, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है बहुत बार। सो टेकिंग अप दोज थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी इन द शॉर्टर रन और लॉन्गर रन, हम विल फाइंड अ वे अराउंड इट। तो वट वी विल डू फर्स्ट, हम अगले 3 महीने में सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी को निपटाएंगे, नॉट ओवर एंटायर 3 मंथ्स। अभी इसके साथ एक और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दैट इज हाईली कॉन्सेप्चुअल इन नेचर एंड दैट इज योर ज्योग्राफी। एक बार समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर लॉन्ग, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, ताकि कुछ ऑनलाइन है तो देख लीजिए। गाइस ऑफलाइन डाउट्स, हाँ ऑनलाइन तो हैं अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई डाउट्स नहीं है अभी। मैं चाहता हूँ एक बार ऑफलाइन डाउट्स पूरे हो जाएं, फिर ऑनलाइन का सेगमेंट एक साथ स्टार्ट करेंगे। सर व्हाट वाज द सोर्स ऑफ योर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स? कोई सोर्स नहीं था, मैंने एक बार पहले ये सब खत्म किया है, उसके बाद सुन आई इसका एक कंपेंडियम आता था वो उठाया है। अगर वो अगर बट देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉजन, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो शून्य वुड बी लाइक काला अक्षर भैंस बराबर, लिटरली काला अक्षर भैंस बराबर,
तो आई डू नॉट सजेस्ट सुने एस सच टू पीपल हु आर टेकिंग अप द बेसिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर पहली बार उठा रहे हो और अगर मेरी बात में आकर के सुने आई उठा लोगे, घर बैठ के चार दिन बाद मुझे बहुत गालियां देने वाले हो. ठीक है, आगे चले. मुझे सुने, किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, रैंडम. मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें रैंडम हुई हैं विच हैव यील्डेड मी रिजल्ट. इवन विथ सिविल्स डेली का जो यूएपी मेंटरशिप था, दैट वाज रैंडम. सेकंड फेलियर के बाद वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड सीमा. उसने कहा कि सिविल्स डेली की एक टीम है, नई टीम है, सिंस दे आर न्यू सो मे बी दे विल बी एबल टू डिवोट टाइम विथ यू, एंड आई वॉज लकी. मैंने वही कहा ना, रिस्क एपेटाइट, रिग्रेट मिनिमाइजेशन. सो आई वॉज लकी इन दैट एस्पेक्ट, प्योर लक और कुछ नहीं. और सुन आई इज भी प्योर लक, क्योंकि कंपेंडियम आते थे, फ्री एक कंपेंडियम आ गया था उनका, तो मैंने उसको उठाया. और चूंकि मेरा बेसिक्स एक साल में तो पढ़ ही लिया था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, समझ में आ रहा है ये तो. ये सुन मैं विजन जब उठाता था 110 पेज की मैगजीन, मेरे से समझ में नहीं आती थी, तो आई वॉज एबल टू डू दैट, तो मैंने उठा लिया. बट वर्ड ऑफ कॉजन फॉर यू, अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, डू नॉट टेक अप सुनने. पहले बेसिक्स पढ़ लेना, उसके बाद. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिविल्स डेली का खुद का अपना एक बहुत ही क्रिस्प नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स आता है. पहले पता नहीं आता था कि नहीं आता था, दिस टाइम मैंने उनको बोला है कि भाई कर दो प्लीज़, ताकि बच्चों का भी भला हो जाए. सी वॉट एवर आई हैव लर्नड इन माई जर्नी आई विल बी एबल टू टेल देम टू यू. तो मैं वो चीज़ आपको भी बताता हूँ, मैं इनको भी बोलता हूँ, मैं अपने मेंटर को भी बोल देता हूँ कि वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स, तभी मुझे हेल्प मिलेगी. तो जो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं मैं बता देता हूँ. ठीक है, मैंने समाचार मंथन सी आई ज्वाइंट वेरी लेट. यूएपी मैंने जब ज्वाइन किया था, इफ़ यू रिकॉल हमारा अक्टूबर 2021 में शायद प्री हुआ था, और 2022 का जो प्री था वो कब हुआ है, जून में. तो मेरे पास 5 से 6 महीने थे. तुम्हें लगता है मैं समाचार मंथन के लिए टाइम निकाल पाऊंगा? तो मैंने समाचार मंथन ज़्यादा देखा नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ता था, टॉपर्स रिकमेंडेड, द हिंदू. ठीक है, एक ही लेकिन द हिंदू. आगे आते हैं. हाँ, दिस वुड नॉट बी ओनली फॉर 3 months, आई विल टेल यू द एंटायर 24 सॉरी 12 months का. इसमें जैसे पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह करें तो साथ में ही राइटिंग वगैरह भी करना है? हाँ, देयर वुड बी सम, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. आप पहले 16 चैप्टर पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू सेल्फ क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, हेट स्पीच. अब कहोगे हेट स्पीच कैसे कर लेंगे सर, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, देर वुड बी सम लिमिटेशंस. देन व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस टू इट, सोशल फैब्रिक इज ब्रोकन डाउन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. और अगर वो नहीं तो देर वुड बी सम क्वेश्चंस ऑन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देर कैन बी क्वेश्चंस ऑन द रीसेंट अमेंडमेंट्स लाइक GST आ जाएगा आपका, OBC का आ जाएगा, मेकिंग NCOBC एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. देन देर कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम हाउ changing the very nature of not nominating a Anglo-Indian into the parliament, how does it affect the social fabric of the country. तो भाई अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि what is the population of Anglo-Indian and how it can change or not change, लिख लोगे आप, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए. 99th amendment, NJAC का invalidity, constitutional, unconstitutional कर दिया था Supreme Court ने, तो आपको पता होना चाहिए कि what is the basic structure doctrine, when basic structure doctrine was propagated, कब हुआ था जल्दी बताइए. केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में आया था. उसका एप्लीकेशन कब आया था, जस्ट अगले साल आ गया था. ठीक है, तो अगर ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आंसर राइटिंग भी हो जाएगी. और आंसर राइटिंग का तरीका लास्ट में डील करूंगा मैं. कुछ भी नहीं करना होता है, देर आर ओनली 3 things विच यू हैव टू वर्क एंड दैट्स ऑल. और हर क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ. सब पूछते हैं सर कंक्लूजन कंक्लूजन, हर क्वेश्चन कंक्लूड नहीं होता है. आप साइक्लोन के क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं कर सकते. वीडियोज मिल जाएंगे आपको, कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, वर्टिकली एनालाइज, रिसर्चर्टिकली एनालाइज, पता नहीं कौन सा करवा रहे हैं यार, मजाक कर रहे हो तुम व्यूज के लिए. जो सत्य है बताओ ना, कि तुम्हें भी 3 घंटे में लिखने के लिए दे दिया जाएगा ना, तो वहाँ पे सारा शशि थरूर तुम्हारा बाहर आ जाएगा. ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ बी वेरी प्रैक्टिकल, रैशनल रहो. जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, वही करेंगे. मैं इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं महीने भर 14 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ. रियलिस्टिक रहो, लंबा चलना है, रियलिस्टिक रहोगे, अपने गोल पे लगे रहोगे, आपका रिजल्ट निकलेगा. नहीं रहोगे, नहीं निकलेगा. निकल जाए तो भाई वेल गुड टू यू, भाई हाथ जोड़ लेता हूँ मैं अभी से तुम्हारे लिए. लेकिन जो मेरे लिए काम करता है, जो वही मैं बता सकता हूँ, विच माइट बी योर केस ऑल्सो. 4-4 दिन मैं बैठ के कोरियन ड्रामा भी देखता था, नॉट अ गुड, नॉट अ वेरी न्यू न्यूज़.
मैं जो हैं सो हैं, क्यों नहीं देखेंगे भाई? 16 एपिसोड होती हैं, थोड़ा 1.5 पे देख लो, खत्म हो जाएगा। रात भर निशाचर हो, रात भर में खत्म हो जाएगा, रात भर में खत्म हो जाता है। अब मुझे तो बहुत प्यारा लगता था जंगाई, इन मतलब कैरेक्टर्स मुझे बहुत प्यारा लगता है। नॉर्थ कोरियन स्पाई बना था क्या, स्नो ड्रॉप का ब्लैक पिंक की जीसू थी, और इधर जंगाई, क्या बढ़िया सा शो था। उस वो तो वेट करना पड़ा था, 6-6 दिन पे आता था हॉटस्टार पे। मेरा तो मन कर रहा था मेल लिख दूं उनके प्रोडक्शन हाउस को कि अरे यार खत्म करो यार, इधर फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं तुम, लेट कर करके दिखा रहे हो, लास्ट में कुछ अच्छा उसका एंडिंग भी नहीं किया। तो अगर आप अपनी चीजों को लेकर के, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एनेक्डोट, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यू हु इज प्राइम। कोई एग्जाम आपसे बड़ा नहीं हो सकता है, जीवन है ना, जीवन से प्यारी चीज तो कुछ होती नहीं है। चेतना, चेतना से प्यारी चीज क्या हो सकती है यार, कुछ नहीं। कोई लड़की है तो प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। चेतना, आई एम बीइंग वेरी क्लियर ऑन द कॉन्शियसनेस पार्ट। तो कॉन्शियसनेस से अच्छी चीज क्या हो सकती है, कुछ नहीं। तो आपसे बड़ा ये लक्ष्य तो नहीं हो सकता ना, जीवन से बड़ा तो लक्ष्य हो नहीं सकता। तो पहले खुद को खुश रखिए, खुद को खुश रखिएगा ना, तो चीजें अच्छी लगेंगी। और जब चीजें अच्छी लगती है ना, तो हो जाती हैं, बस हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइम लगेगा मैं वो भी टाइमलाइन दे देता हूं। अगर पॉलिटी अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, हु इज वेरी नोविस, अगर एक बार पढ़ चुके हो तब तो जल्दी हो जाएगा, अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो इट विल एटलीस्ट टेक 2 वीक्स, 14 दिन कम से कम, कम से कम। एंड सेम गोज फॉर इकोनॉमी, कम से कम 16 से 18 दिन। ठीक है, और इन ज्योग्राफी के लिए देर आर सजेस्टेड रीडिंग्स बाय 11th 12th। इससे एक्स्ट्रा ना पढ़ना है ना आता है, जो आता भी है तो मैं बता देता हूँ, जैसे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ये आप खुद से पढ़ के नहीं भी सीख पाओगे, यूट्यूब कर लो, यूट्यूब पे भी 4 वीडियो देखोगे तो शायद एक समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ भी समझाने वाले हमारी तरह ही लोग हैं। जब वो कहते हैं ना, जो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं वो समझा रहे हैं, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड वहाँ पे आप 3-4 वीडियो सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये लर्निंग्स है मेरी, जो है लर्निंग्स मैं वही दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आई थिंक आप मिड जून से लेकर के जुलाई 1st वीक तक आते आते पॉलिटी खत्म कर लोगे कि नहीं होगा? हो जाएगा। आप जुलाई मिड से अगस्त तक आते आते खत्म कर लोगे इकोनॉमी? मैं तो फिर भी एक एक महीना दे रहा हूँ, और अगस्त से सितंबर तक आते आते ज्योग्राफी प्लस मैप खत्म कर दो, हो जाता है। 15-15 वीडियो होते हैं, अगर खुद से भी करना है तो हो जाएगा, नहीं तो अलग से भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत रियलिस्टिक है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस बता रहा हूँ मैं। और कैसे हेल्प करेगा मेंस में, वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये मत कहना कि सर मैंने, अब मेरे को सोसाइटी पढ़ा दो या मेरे को वो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए वो पढ़ा दो। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए नाम याद रखो, हु आर द वल्नरेबल सेक्शंस, डिसेबल्स आर वल्नरेबल सेक्शंस, उसके लिए भाई कहीं कुछ नहीं है, वो किताब से पढ़ लेना। इवन आई हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी टू टेल एवरीथिंग ना, तो उतनी सारी चीज़ें मैं भी नहीं रख सकता। तो भाई जहाँ नहीं मिल पा रहा है, कनेक्शन नहीं बन पा रहे, डॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे, हम एक्स्ट्रा एक नोट बना के रख लेंगे, दैट्स ऑल। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, जब आपका 2 महीना खत्म हो जाए ना, अगस्त, मिड जून से मिड जुलाई, मिड जुलाई से मिड अगस्त, अब तक नाउ यू आर वेरी क्लियर कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सेक्शन, आपका शेयर मार्केट, आपका बुल, आपका बेयर, जो भी होती है टर्मिनोलॉजी, सब खत्म हो चुकी है आई थिंक। अब तक आप भारत का संविधान मन में 50 बार चेंज करना सीख चुके हो, आपका पूरा का पूरा वो कहानी भी खत्म हो जाएगा। एक और चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके से अमेंड होते हैं? 3 तरीके से, एक सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ग्रेटर देन 50%। ये दोनों किस में आ जाते हैं? आर्टिकल 368 में, ये एक में। इसके अंदर में ऐसे ऐसे 15-20 पॉइंट लिख दोगे, क्या क्या आ जाएंगे? सिटीजनशिप सबसे पहले याद रखना, न्यूज़ में भी था, याद रहेगा करंट अफेयर्स के तौर पर। नंबर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट कर करके आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे बस 2 ही लाइनें थी, एक FR, दूसरा DPSP। इन दोनों को छोड़कर, जो यहाँ नहीं है और जो यहाँ नहीं है, वो इसका पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, चूंकि स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, सो ऑब्वियसली दिस वुड बी द फेडरल वाला पार्ट। फेडरल वाले पार्ट में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड ऑल चेंज करने की कहानी, यही सब आएगा कि नहीं आएगा?
अब बताओ क्या ये माइंड मैप बना लोगे तो कोई तकलीफ है? और अलग बात है, लक्ष्मीकांत में भी बहुत छोटा सा दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जब आपका मिड अगस्त हो जाता है ना, अब मिड अगस्त से आप उठा लो हिंदू, जिनको सॉरी जिनको इंडियन एक्सप्रेस पसंद है भाई वो उठा लो, ठीक है, एंड जिनको हिंदू उठाना है हिंदू उठा लो, ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्टीमेटली। मैंने तो दोनों पढ़ के देखा है, मेरे लिए दोनों सेम था, पर मैं हिंदू चूंकि मिल जाती थी सबसे पहले 5 बजे आ जाती थी, मैं सोने से पहले रोज पढ़ के सोता था, एंड हिंदू कम्स फर्स्ट, फ्री वाले टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाते थे, हम पढ़ लेते थे पहले, अब जो पहले मिल जाए हम खा लेते थे, और क्या कर सकते हैं। अब दूसरा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मत ये मत करना, कोई किसी ने कहा है क्या नोट्स वोट्स बनाने के लिए? इफ यू नहीं, नहीं एकदम नहीं, कि अगर आप 5 बजे मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गेटिंग इट इन द फिजिकल कॉपी, आप डिजिटल कॉपी पढ़ रहे हो ना, डिजिटल कॉपी का नोट्स बनाने का जरूरत नहीं होता है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, महीने के अंत में आप एक बार रिपोजिटरी देखोगे मैक्सिमम कितने वहां पे रिपोजिटरी में जाएंगे, 20 या 25, 30, 40, पूरी की पूरी हिंदू काट के थोड़े ना रख लोगे यार, है ना। अगर पूरी हिंदू काट के रख रहे हो, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, अगर महीने के अंत में आफ्टर अ मंथ अगस्त मिड से सेप्टेम्बर मिड तक जाते जाते अगर आप डिजिटल मोड में हिंदू पढ़ रहे हो और अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स या उसकी कटिंग्स अगर 100 से ज़्यादा हो रही हैं, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आइदर यू आर नॉट वेरी क्लियर विद द सिलेबस और यू आर नॉट वेरी क्लियर विद द स्टडी पार्ट। 30 से 32 मैक्सिमम रोज का एक या दो आना चाहिए, और कभी कभी तो वो भी नहीं आना चाहिए। अब आप अन्नामलाई के जंगलों में कौन सी चिड़िया और कौन सा बटरफ्लाई निकला है अगर उसका रिस्टोर कर रहे हो तो यार फिर तो बेवकूफ़ी है ना, वो तो तुम छोड़ भी दोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ना। मैंने भी 85 क्वेश्चन छोड़े थे, इवन आई हैड द बैंडविड्थ ऑफ 15 क्वेश्चंस टू बी लेफ्ट, क्या फर्क पड़ता है, चिल मारो, इतना लोड नहीं लेने का, जो है मैं वही बताऊंगा। अगर स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, रख रहे हो, रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो एक मंथ में, दिस शुड ऑलवेज लिमिट योरसेल्फ टू 40। चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत मन कर रहा है, नहीं सर हम तो काट के रखवे करेंगे, हमको कुछ नहीं समझ में आता, 50 उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो, अगर उससे ज़्यादा जा रहे हो तो फिर दिक्कत है, क्लियर है। तो क्या क्या करना है, मिड जून से मिड जुलाई तक पॉलिटी खत्म कर लो या इकोनॉमी खत्म कर लो, मिड जुलाई से मिड अगस्त हम क्या कर लेंगे, आइधर अब जो बच गया होगा वो कर लेंगे, और लास्ट मंथ में हम ज्योग्राफी उठा लेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर पॉलिटी खत्म कर लिया है ना तो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, लेकिन रिवाइज कैसे होगा, वही तरीका विच आई हैव टोल्ड यू, जो चीज़ें तुम्हें आसान लगती हैं उसका एक माइंड मैप बना लेंगे। अगर माइंड मैप नहीं बन रहा है, रद्दी की एक किताब खरीदो, मोटे पेज वाली, खाली खाली सीट्स वाली, उनमें जिसको कहते हैं ना बचपन में जब ABCD लिखा करते थे, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा ABCD वाला जीवन फिर से स्टार्ट हो गया है, जितना भर सकते हो भर दो। मैंने यही किया है, दिस वॉज द ओनली वे दैट आई एम एबल टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर आई कैन टूडे, दैट इज द ओनली वे, हार्ड वर्क का कोई तरीका नहीं है, कोई कॉमन सेंस काम नहीं आता। मुझे मुझे बुरा लगता है इस बात पे यार, तुम्हें बकवास करके जाने में तो कुछ नहीं लगता कॉमन सेंस, जो बच्चे साल भर बैठ के मेहनत कर रहे हैं, पर्सनली भुक्त भोगी हूँ यार मैं, ऐसे ही किसी नालायक की वीडियो देख के मैं भी चला गया था फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में, तो मैं तो भुक्त भोगी हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बकवास करना नहीं है, कॉमन सेंस कुछ नहीं होता है जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर है तो सब सेंस है, 2 घंटे में कुछ कॉमन सेंस नहीं लगता, ठीक है, वहाँ पे हालत खराब रहती है, डर रहता है कि कम से कम 80-85 क्वेश्चन तो मार दो, ठीक है ना। और आपका मिड अगस्त के बाद से, इन दौरान मिड अगस्त से आपकी रेगुलर हिंदू रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू हो जानी चाहिए, और इसके बाद यू कैन टेक अप एनी करंट अफेयर्स का नोट्स, कोई भी, आप सिविल्स डेली ले लो, आप विजन ले लो, आप इनसाइट्स ले लो, आप XYZ के पहले IAS लगा लो चाहे बाद में लगा लो, ठीक है। तो हमारा 3 महीने में क्या क्या खत्म हो गया जरा आप देख लेते हैं, क्योंकि इसके दिन भर तो पढ़ोगे नहीं, साथ में थोड़ा बहुत ऑप्शनल के लिए भी टाइम दोगे, है ना। तो पॉलिटी, पॉलिटी अगर खत्म कर लोगे तो GS1 का, GS2 का 40% खत्म, आई थिंक 40-45%, आई थिंक इकोनॉमी पढ़ लोगे तो GS3 का कितना खत्म, 50% मान लें,
तब पढ़ोगे ही ना, इलेवेंथ वाली बुक भी तो पढ़ोगे, बीओपी एंड ऑल एवरीथिंग थ्री है ना, पिलर वाइज पढ़ते ही हो तुम लोग उसके, तुम लोग क्या हम भी पढ़े हैं, हम थोड़े अलग हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जीएस वन में लास्ट का दो टॉपिक जो कि 20% आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, कि कोई दिक्कत। ये इंटरलिंकेजेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका जीएस भी इसके साथ खत्म हो रहा है, अलग से नहीं पढ़ना है, कचड़ा नहीं पढ़ना है, ना पढ़ना है ना रखना है, जो कचड़ा रखना है उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। लास्ट के एक महीना पहले हिस्ट्री के कुछ कुछ जो होते हैं ना, वाइस रॉयज और ये फलाना ढिमकाना, वो पूरा का पूरा कि किसके अंदर में क्या हुआ था, लॉर्ड एल्गिन ने आके क्या कर दिया, तो भूटान में लड़ाई हो गई, ये कचड़ा बस उस समय के लिए है। क्यों? क्योंकि पढ़ो और वो कहते हैं ना जैसे रटा हुआ जो तोता होता है, जाके अगले दिन उगलो और अगले दिन भूल जाओ, उससे ज़्यादा उसका कोई पर्पस नहीं है। बट दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि दीज आर प्योर कॉन्सेप्ट्स, ये चेंज नहीं होगा, कि चेंज हो जाएगा, इन्फ्लेशन का लॉजिक तो चेंज नहीं होगा आई थिंक, है ना। तो ज्योग्राफी खत्म, अब आते हैं आपके ऑप्शनल पेपर्स पे। हमने कितना दिन लगाया है? 90 डेज। 90 डेज में कम से कम पेपर वन खत्म कर लोगे क्या? मैं बहुत रियलिस्टिक बता रहा हूँ, लोग 90 डेज में दोनों पेपर खत्म कर लेते हैं, मैं बहुत रियलिस्टिक दे रहा हूँ, पेपर वन, सिर्फ पेपर वन। लेकिन देर आर एडेड सर्टेन थिंग्स, पेपर वन के पढ़ने के बाद फिर अपने नोट्स बनाओगे, और मैं अभी आपको एक एक्स्ट्रा कॉजन दे रहा हूँ, कोचिंग वाले नोट्स नहीं। जैसे आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग तो कोचिंग में कुछ ना कुछ तो वो नोट्स लिखवाएंगे, यू आर सिंपली मेकिंग अ बुक फ्रॉम अ बुक, ठीक है। उन नोट्स को जो आपने लिखा है ना कोचिंग वालों के, उस नोट्स को पढ़िए और अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। और सेकेंड थिंग जो आप करोगे वो है PYQs। PYQs सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड मैप बनाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर एक्स वाई जी एक क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरा इंट्रो कितना होना चाहिए, मेरे क्या बॉडी में आना चाहिए, लास्ट में इसको कितना मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना है, कितना क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और लास्ट में मुझे कंक्लूजन क्या लिखना है। क्योंकि यूजुअली इन ऑप्शनल पेपर इफ़ यू आर नॉट मैथ्स ऑप्शनल तो कंक्लूड करना पड़ेगा, मैथ्स वालों को करना नहीं पड़ा, इकोनॉमिक्स वालों को मोस्टली नहीं करना पड़ता है, ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड लेग, सेकेंड लेग का जो फर्स्ट है कहाँ से, मिड सितंबर में भी चलो 20 तारीख से ले लेते हैं, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर से 15 दिसंबर, ठीक है। ज्योग्राफी खत्म, पॉलिटी खत्म, यहां उठा लोगे एनवायरनमेंट, 10 दिन में एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। मेक श्योर टू कंप्लीट योर डायनेमिक पार्ट ऑल्सो। डायनेमिक पार्ट कहाँ से मिलेगा, किसी भी कंपेंडियम को उठा लो, सारे के सारे लॉ स्टैट्यूट्स को एक जगह लिख लेना है। कैसे? आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और भी फलाना ढिमकाना जितने भी एक्ट हैं सब एक जगह। अब क्या करना है वो समझिए, EPA के अंदर बहुत सारे प्रोविजन्स आते हैं कि भाई ये रूल, ई वेस्ट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट रूल, तो फलाना ढिमकाना रूल, CRZ रूल, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में देर आर 4-5 बॉडीज कि भाई नेशनल पार्क बनेगा, बनेगा ना कि नहीं बनेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इसी से बनता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद आपका सेंचुरीज बनेंगी, इसके बाद आपका टाइगर रिजर्व बनता है, इसके बाद जूज के अंतर्गत जो वार्डन्स आते हैं वो भी यहीं से अपने पावर डिराइव करते हैं, हाँ नहीं करते हैं। WPA का एक बॉडी भी होता है, कौन होता है उसका हेड, मोटा भाई नहीं होते हैं, मोदी जी होते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह कोलेट कर लोगे, क्यों कोलेट कर लोगे, ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्लियर है कि कोई दिक्कत है तो पूछ लो, तब तक पानी पी लो। आई गेस यार इतना बढ़िया तो मैं नहीं समझाता हूँ कि लोग खुश हो जाएं कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, या तो वही वाला हाल है, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा, या तो हम मतलब गधे हैं। फिर ऑनलाइन क्वेश्चंस ले लें कि ऑफलाइन अभी हैं क्वेश्चंस, क्राउड काफ़ी है तो मुझे लगा ऑफलाइन क्वेश्चंस काफ़ी होंगे, नहीं हो
गया। ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन ले लें कि आप और पढ़ेंगे पहले? नहीं नहीं ठीक है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इफ एनी वन इज गिविंग सेकेंड अटेम्प्ट देन हाउ टू प्लान एथिक्स एंड एसे, शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू फर्स्ट? और एसे आई विल बी टेकिंग अप अलॉन्ग विथ एथिक्स, और एथिक्स का तो अभी हम लेंगे, इसके बाद एथिक्स का पूरा आई थिंक 30 मिनट का एक सेक्शन रहेगा अलग से। राइट, नोट्स कौन सी रीडिंग के बाद बनाना स्टार्ट करें? अगर आप बहुत अच्छे रीडर हो तो फर्स्ट रीडिंग के बाद, इफ द एंटायर थिंग्स एंड कॉन्टेंट्स आर मेकिंग सेंस, अगर नहीं सेंस कर रहा है तो दूसरे रीडिंग के बाद तो आपको बना ही लेना चाहिए। व्हाट्स योर टेलीग्राम चैनल? देखना पड़ेगा यार, याद भी नहीं है क्या है आईडी। हिंदू के नोट्स बनाए थे? नहीं, हिंदू के नोट्स नहीं बनाए थे, बोला तो कि कंपेंडियम पढ़ा था। आई थिंक ही इज नॉट लिसनिंग, आई थिंक ढंग से। आप ये सर्च कर लो। आगे डेली टारगेट क्या था, डेली टाइम टेबल क्या था? डेली टाइम टेबल फिक्स नहीं होता था, बट देयर वर सम टारगेट्स, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, ये मंथली टारगेट्स हैं, इन मंथली को मैं माइक्रो में करके वीकली पे लेके आता था और कोशिश करता था कि ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज मेरे डेली टारगेट्स कॉम्प्लीमेंट करें मेरे वीकली टारगेट्स को। तो मैं कभी भी डेली टारगेट्स पूरा नहीं करता था, मेरा फोकस वीकली होता था। राइट, यू कैन कंटिन्यू ऑफलाइन फॉर सम टाइम, आई विल कम बैक। ठीक है, तो एनवायरमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, डन, आगे चलें। हाँ, बता रहा हूँ ना, बोला तो कि 14 घंटे नहीं हम पढ़वाएंगे, 8 घंटे मैक्सिमम, किसी दिन ज़्यादा श्रद्धा है तो 9 घंटे। घर से प्रिपेयर कर रहा था। क्या क्यों ब्रेक लेना पड़ता है यार, मन नहीं लग रहा है आपका? बढ़िया, मतलब तो मन लग रहा है तो फिर 3 से 4 दिन में ब्रेक क्यों चाहिए? गर्लफ्रेंड बोलेगी, गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं है, अरे यार दिक्कत है फिर तो। गर्लफ्रेंड हो रहा तो आई कुड हैव कमेंटेड समथिंग, लेकिन अब है ही नहीं तो अब क्या ही हम बोले। किसी को बहुत अनन्य प्रेम करते हो, जैसे मेरा राम जी से बहुत अनन्य प्रेम है, कोई मुझे बोले दिन भर बैठ के राम राम लिखो, जब तक हाथ ना सूझ जाए तब तक लिख सकता हूँ मैं राम, मजा आता है राम राम, मैं लिख सकता हूँ, लिखा है मेरे पास, मैं लिखता था। हाँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि आप लाइन बंद कर देंगे तो फिर माँ छूट जाएंगी, और राम मेरी माँ के बिना तो अधूरे रहेंगे, नहीं लिखनी होती है। लोग कहते हैं जय श्री राम बोलते हो तुम, मेरी माँ को छोड़ देते हो। अब पता नहीं जिनको साहित्य का ज्ञान होगा, श्री का मतलब महालक्ष्मी होती हैं, तो अगर आप जय श्री राम भी बोल रहे हैं तो मेरी माँ को लेके ही बोल रहे हैं, और अगर जय सीताराम जय सियाराम भी बोल रहे हैं तो आप माँ को तो ऐड कर ही रहे हैं। सी, देयर आर पॉलिटिकल नोशंस ऑफ इट, लेकिन श्री जो होता है वो वैभव को समर्पित है, और वैभव कौन है? हमारी माता लक्ष्मी। अब कुछ लोग महा लगा देंगे, कुछ लोग पर लक्ष्मी लगा देंगे, तो जिसकी जैसी, वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। ठीक है, मैं पढ़ता था और कान में लगा के सुन रहा होता था। मेरा कनेक्शन ऐसा है ना राम के साथ कि मैं सुन के मैं कर सकता हूँ, दैट इज हाउ आई हैव हैबिचुएटेड माई सेल्फ, चूँकि मैं अकेले तैयारी कर रहा था। अब पापा को जाके मैं कह नहीं सकता हूँ कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो राम काम में आते थे। क्या 4 दिन के बाद मन क्यों नहीं करता है? यार ज़्यादा कैसे हो जाता है यार, 4 दिन में क्या ज़्यादा हो जाता है यार? ये झूठ बोल रहे हो आप, ये गलत बात है। आपका मन, मतलब या तो आप मन लगा नहीं रहे हो पढ़ाई में, 4 दिन में मन नहीं उगता है पढ़ाई में, कम से कम 8 दिन 10 दिन तो पढ़ते और तब बोलते कि मन उगता है तो मैं एक पल के लिए मान लेता। यार मेरे से ज़्यादा दिमाग वेवर नहीं करेगा किसी का, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इट वेवर्स अ लॉट स्टिल। मैंने वही बोला ना कि यू हैव टू फाइंड दैट आधार, जहाँ आप पकड़ के ऐसे कहो कि अब सब कुछ ठीक है। और देखो अल्टीमेटली एक प्रण तो लेना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे आप कहते हो ना मन नहीं लग रहा है, तो मन को कहो कि तुम मान जाओ, आज नहीं मानोगे तो मार खाओगे। बोलना पड़ता है आपको, ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं, अकेले कर रहे हो ना तैयारी, तो थोड़े ना बोल दोगे कि अबे सुनो, तो बगल वाला सुन लेगा,
मनी सुनेगा ना आपका, सुनता है, सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं। राम जी तो सुनेंगे ही यार, वो क्यों नहीं सुनेंगे। तो आपको मन को मारना पड़ेगा, मन मार के ही पढ़ाई होती है। एक बार मन को मार के लगा दोगे ना पढ़ाई में, तो फिर नहीं वेवर करेगा, फिर लग जाएगा। एक आउट ऑफ लीक क्वेश्चन है आपके लिए, कैन वन बैलेंस प्रिपरेशन एज वेल एज रिलेशनशिप, और शुड वन टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप इफ समवन इज इमोशनल। अगर गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग है तो फिर तो बात अलग है यार, फिर छोड़ दो गर्लफ्रेंड। वो लड़की है। अच्छा लड़की है, तो अपने तो अपने बॉयफ्रेंड को समझाइए कि सर देखिए आपका खर्चा उठा, अगर आपके बॉयफ्रेंड निठल्ले हैं नल्ले हैं जिनको काम नहीं करना, तो उनको समझा दीजिए कि मैं किसी बड़े चीज़ के लिए एस्पायर कर रही हूँ। फिर तो मेरा यही सबमिशन होगा कि आप अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए, बैठ के पढ़ाई करिए। और क्योंकि हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे कहता है कि भाई मुझे टाइम दो, तो वो गधा है फिर, टू बी वेरी फेयर। क्योंकि अगर वो इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ रहा है दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर वन ऑफ दी मोस्ट टफ एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, तो भाई फिर तो कोई दिक्कत है, फिर गलत आदमी को पकड़ रखा है आपने। अगर आपका पार्टनर आपका उत्थान नहीं कर रहा, मैं इन जनरल अब ये आंसर करूँगा, अगर आपका पार्टनर उत्थान नहीं कर रहा मेंटली स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, ऐसे चीज़ को जहर की भांति त्याग दीजिए। कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, फिर मतलब नहीं है ना जीना। अरे अकेले जीने आते हो यार तुम, तुम्हारा क्रिएशन सिर्फ रिलेटिव है, माँ बाप मिलते हैं तो क्रिएशन होता है, उसके बाद अकेले आए हो अकेले जाओगे। तो प्रेम उतना ही रखो जितना तुम्हारा इसको बढ़ा सके, तुम्हारी शारीरिक वृद्धि हो सके, तुम्हारा मानसिक विकास हो सके। अगर कोई तुम्हें मानसिक रूप से क्षति पहुंचा रहा है, तुम्हारी चेतना को अवरुद्ध कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू। हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड साइट्स ऑनलाइन दैट प्रोवाइड आर्टिकल्स, सो शुड वी रीड देम और नॉट। अगर आप जैसा आपका आंसर जो है आपके क्वेश्चंस में, आपने बोला कि देयर आर मल्टीपल करंट अफेयर्स वेबसाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग, स्टिक टू वन बेसिक्स। अभी जो क्वेश्चन था कि मेरा पार्टनर, तो पार्टनर भी जैसे लोग एक रखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे सिर्फ एक को रखे थे, तो भाई उसी तरीके से आपको भी एक को रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, देर आर सर्टेन टॉपिक्स, हो सकता है कि वहाँ ना मिल पाए, तो हम किताब में पढ़ रहे हैं वहाँ मिल जाएगा, हम क्वेश्चन पेपर डील करेंगे वहाँ मिल जाएगा, हम टेस्ट सीरीज देंगे वहाँ मिल जाएगा। और दो चार क्वेश्चन अगर फिर भी छूट जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, 100 में थोड़े ना पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप 75% क्वेश्चन भी 90% एक्यूरेसी पे कर रहे हो, यू विल बी क्लियरिंग द कट ऑफ गिवन द काइंड ऑफ डायनेमिक्स इन सच अ सिनेरियो यूपीएससी इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। पिछले से पिछले साल 88 कट ऑफ था, पिछले साल 88 कट ऑफ था, इस साल सुनने में आ रहा है एंड मेनी ऑफ द स्टॉलवर्ड्स आर ऑल्सो प्रिडिक्टिंग। वो प्रिडिक्शन टर्म्स को थोड़ा सा अलग में लीजिएगा, क्योंकि इनके प्रोडिक्शन कभी सही होते नहीं है, पर फिर भी मेरा भी मानना है कि कट ऑफ तो कम जाएगा। How to go from notes to micro notes? How many layers? Notes to micro notes तभी होंगे, जैसे let's say you are writing a term article 368. तो article 368 अगर मेरे दिमाग में बैठ गया है कि this deals with the constitutional amendment, so next time you are making a note, तो you simply refer article 368 और आपके दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए। One would be dealing with the non-federal constitutional amendment and second would be dealing with the federal constitutional amendment. तो अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो notes को micro notes पे लेके आ जाओगे। राइट डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि हम अगली बार जब हम टॉपर स्टॉक दे रहे हो आदित्य पांडे के तरह वो महानुभाव हो, तो वो ये कह सकें कि हमने लक्ष्मीकांत को 40 बार पढ़ा था, जैसे मैंने तो 25 बार कह दिया, अब वो महानुभाव 40 बार कहना चाहते होंगे। सो इट इज़ अप टू देम। जोक्स अपार्ट, माइक्रो नोट्स हेल्प करता है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो एक कीवर्ड आपका पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है। इसलिए हाउ टू मेंटेन, मिस्टेक्स मेरी सबसे ज़्यादा ये थी कि मैं सिर्फ पढ़ता रहता था, पैसिव रीडिंग होती थी। एक्टिव रीडिंग मैंने पहले अटेम्प्ट के बाद शुरू की, इसीलिए वो स्कोर चेंज हुआ, 25 से मैं 2.5 मार्क्स पे आया था। तो वहाँ पे अब मेरे मेंटरशिप की जो जरूरत थी वो जरूरत थी, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस एनीवन, मैं ऑनलाइन कंटिन्यू करूँ? हाँ, एक्टिव रीडिंग में एक एक क्वेश्चन उठा के लिखता नहीं था, माइंड मैप क्रिएट करता था। मैंने बोला ना कि मैं माइंड मैप्स में बहुत गुड हूँ, आई एम गुड एट माइंड मैप्स। तुम मुझे कोई भी ऐसे दे दो, तुम कोई भी पैराग्राफ दे दो, अगर इफ इट इज पर्पसफुल, उसमें अगर मेरे को कनेक्शंस दिखेंगे, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। मेरे लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, मैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ इन द सेम वे। ठीक है, आगे चले सर। हाँ सर, सिंस लाइक आपने जॉब के बाद स्टार्ट किया, गैप हो गया था, हाँ, सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू स्टार्टेड? बिल्कुल फर्स्ट गो में आपने कोचिंग भी नहीं लिया,
मैंने गलती करी थी, मैंने हिस्ट्री उठा लिया था। अच्छा, इसीलिए तो मैं इतना ब्लंटली बता पा रहा हूँ कि हिस्ट्री नहीं उठाने का। मुझे लगता था मुझे इतिहास से बहुत प्रेम है और इतिहास को मैं तोड़ फोड़ दूंगा। I have also done that. हाँ, तो वो पता चल गया। तो इस पेपर में ईगो कभी लेके नहीं चलना है। जैसे एक बड़ी प्यारी लाइन कही जाती है कि माया आप जीती नहीं जा सकती हो, तो माया को प्रणाम करिए, उसके तरीके ढूंढिए कि कैसे माया के ऊपर विजय पाया जा सकता है। That's all. और कुछ नहीं। After history, what you did? After history, I learned from my mistake. और मैंने सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाया जो मुझे थोड़ा बहुत आ सकता था, वो था इकोनॉमी का सब्जेक्ट, क्योंकि आई हैड एमबीए बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स थोड़ा समझ में आता था, बहुत ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इकोनॉमिक्स व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग तो मुझे समझ में आया, तो आई स्टार्टेड रीडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेल यू दोज थिंग्स कि क्यों न्यूज़पेपर क्यों नहीं उठाना है शुरू में। वो आप पूरा दिन बिता दो यार, क्या मतलब है, दिखावा थोड़े ना करना है कि हम पढ़ रहे हैं। तो लाइक आपको बुरा नहीं लगा, लाइक सिंस यू हैव डन एमबीए एंड यू आर स्कोरिंग 75 इन जीएस3? हां, फर्क पड़ता है। नहीं, मतलब मैंने तो जब नौकरी छोड़ के आया था, मैं तो मान के चलता था ये लेके आऊंगा, वो भी पहले चाहे दूसरे अटेम्प्ट में। पर वो कहते ना कि देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, लेकिन अल्टीमेटली मेरा गोल तो पूरा हो गया ना। ठीक है, कार्डर मेरे हिसाब से नहीं मिल पाएगा, वो तो रैंक 1 लाके भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि देर आर मल्टीपल डायनेमिक्स प्लेइंग एट द बैक। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। आई नो सर्टेन टॉपर्स हु डिस्पाइट हैविंग रैंक 1, उनको उनका खुद का होम कैडर नहीं मिला। तो देर इज अ लक फैक्टर। और जैसा मैंने बोला, मेरा एसए का पेपर थोड़ा खराब हुआ और जीएस का पेपर खराब हुआ, जीएस3 का। बट आई थिंक जीएस पेपर सबका खराब हुआ है, जीएस3। ठीक है, कुछ नहीं, बस वही काम बार बार जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यही 3 साल। पहला प्रीलिम्स फेलियर होने के बाद मैं मस्त जा करके रेड वेलवेट पेस्ट्री खाई थी। हाँ, ऐसे ही ये थोड़े ना वेट बढ़ा है, 75 से 104 हुआ था मैं किसी जमाने में, तो यार कुछ तो कारण रहा होगा ना। मस्त रेड वेलवेट पेस्ट्री खाई थी मैंने, और अगले दिन बैठ करके 2 मस्त कोरियन ड्रामा खत्म किए थे। फर्स्ट यू नीड टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, जोक्स अपार्ट, अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते हैं, इस पढ़ाई को नहीं कर सकते हैं, जीत ही नहीं सकते आप इस जंग को। ये सब जो आप पढ़ते हो ना, पढ़ लो, कैसे पढ़ लें। क्यों आएगा, हम वहां बोर हो रहे थे, हमको जीवन इतना ज्यादा मतलब स्टैटिक हो गया था कि हम बोर हो गए थे, हम क्या डायनेमिसिटी चाहिए, थोड़ा कुछ तो वेरिएबल करो यार जीवन में, लगे जी रहे हैं वही जीवन, सवेरे उठ के जिम हो रहा है, 4 घंटे काम हो रहा है, 4:30 बजे तक लॉग आउट करके हम घर पहुंच जा रहे हैं, मन कर रहा है तो कभी जू बीच निकल रहे हैं, तो कभी वर्सोवा घूम रहे हैं। अरे यार, ये जीवन नहीं लगा मुझे, मैंने कहा ये नहीं करना है, मैंने कहा घर बैठ जाऊंगा, रामचरितमानस पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, चलेगा, ये नहीं कर सकता मैं अब, तो मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों आएगा डाउट, सिंस यू रिजाइंड एट 28 ना? हाँ, लाइक हम तो अभी 22 के ही, अभी सेल्फ डाउट आने लगा। मस्त रहिए, क्यों सेल्फ डाउट यार, आपके पास तो टाइम है पूरा। वो कहते ना, था ब्रह्मांड की शक्ति है, और दिस इज सेल्फ डाउट, बड़ी कॉमन चीज होती है। और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अपने चेतना को ये कहते हैं कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन भरोसा बनाए रखिए। थोड़ा सा एनेक्डोट लूंगा, जब रामचरितमानस में एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि समुद्र किनारे सारे वानर बैठे हैं, सारे वानरों को ये कहा गया है कि एक मास का तुम्हें टाइम मिला है, एक महीने का, मांस मतलब नॉट वो मांस, ठीक है, एक मास, हिंदी में हम मास को मतलब महीना कहते हैं, तो एक महीने का ही वक्त मिला है, और आप माँ सीता का खोज करके जनक नंदिनी का पता लगा के वापस आएंगे। अब सारे वानर आ करके कहाँ पर, यहाँ इस वाले पोर्शन में, स्पेशली चेन्नई वाला एरिया, यहाँ आकर के रुक गए। क्यों? क्योंकि इधर अदाह सागर, और हमारा जो श्रीलंका है वो यहाँ पर है ऐसे। अब इतनी दूरी, अब कोई चल के तो जा नहीं सकता, ठीक है। संपाति जो थे, गिद्धराज के जो भाई थे जटायु के, उन्होंने इतना तो बता दिया कि माँ जनक नंदिनी इधर बहें कहीं हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जाए कौन, 100 योजन की दूरी हम मान के चलते हैं यहाँ से, 100 योजन, ठीक है। अब सारे बानरों में से कोई कहे हम तो 10 योजन जाएंगे, कोई कहे 20 योजन जाएंगे, कोई कहे 30 योजन। अंगद ने कहा हम चले तो जाएंगे, लेकिन वापस आने का गारंटी नहीं है। ये क्या था,
ये सेल्फ डाउट था, मतलब उनमें क्षमता थी लेकिन वापस आने की क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो नहीं आ सकते थे, उन्हें डर था। थोड़ा इंसिडेंट ये होता है कि रावण का बेटा अक्ष कुमार और बाली का बेटा अंगद, ये दोनों एक ही ऋषि के अंदर पढ़ा करते थे, और जब भी अंगद को मन करता था, वानर बुद्धि के थे, जब मन करता था अक्ष कुमार को धर के तूर देते थे। अक्ष कुमार बहुत डरता था उनसे। अक्ष कुमार ने जाकर के अपने ऋषि को कंप्लेन कर दिया और ऋषि ने अंगद को श्राप दे दिया कि तुम अगर अगली बार अंगद से भिड़े या अंगद भी तुमसे भिड़ गया तो तुम्हारी मृत्यु आवश्यक है। अब देखो यहां से कहानी चलती है, क्यों इस इंसिडेंट में, क्या अक्ष कुमार को मारने के लिए राम जी ने कहा था भगवान को, हनुमान जी को? नहीं कहा था, लेकिन स्पेशली अक्ष कुमार को मार के आए ना कौन, हनुमान जी। क्यों आए? क्योंकि जानते थे कि हमारी पूरी की पूरी जो कार्मिक लाइफ है वो कैसे चलनी है। सिमिलरली हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो इतना दूर जा पाएंगे, सेल्फ डाउट तो उनको भी था, वो बैठ के जय सिया राम कर रहे हैं। जब आप अपनी चेतना को पहचानेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, तो उनको बड़ी प्यारी लाइन कही गई है जो जामवंत कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, और वो इतना सुनते हैं और उनका जो रूप होता है वो पर्वताकार हो जाता है, पर्वत के समान, और फिर वो चले जाते हैं। तो आप अपनी, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बस खत्म करता हूँ, उसके बाद भी टेकअप ठीक है। तो आप करिए, करिए आराम से। आप अगर अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, उस पर वर्क करेंगे और अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे ना, तो आपका जो ये पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी डाउट लगे ना, टेक हेल्प ना, अपनी कमियों को पहचानिए और उसको दूर करिए। हम ईगो में क्यों जिएंगे? अरे क्या राम को, रावण को मारने के लिए क्या पूरा का पूरा पुल बनाना था क्या? एक बाण शक्ति बाण मारते और रावण खत्म। लेकिन उन्होंने विलिंगली हेल्प लिया ना, किनका? वानरों का, वानरों से बनवा दिया पूरा का पूरा। तो मेरा ये कहना है कि जब वो भगवान होकर के हेल्प ले सकते हैं, तो हम इंसान होकर के जो इतने वल्नरेबल होते हैं, छोटी छोटी बात तकलीफ दे देती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्कूल में मार्क्स कम आ जाए, कोई कुछ बोल दे तो हम भयभीत हो जाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, तो हम ये चीज़ क्यों नहीं करते हैं कि हमें जो हेल्प कर सकता है हम उसकी मदद ले लें? और किस बात का ईगो, और किस बात का नाम, और किस बात का मान? अभी तो कुछ बने भी नहीं है हम लोग। जैसे आपने कहा आप 22 प्लस हैं, मैं 31 होने जा रहा हूँ, 32 हो जाऊंगा अगले साल। यार काहे बात का मान, काहे बात का मान, मुझे ये बताइए। किसी के गधा कह देने से मैं गधा हो जाऊंगा क्या? अगर मुझे खुद नहीं पता कि मैं गधा हूँ तो मैं मान लूंगा क्या? अलग बात है कि मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ हद तक इंसान होते हैं गधे। जैसे शुरू शुरू में तैयारी शुरू की, मुझे लगता था मैं गधा हूँ। तो दूसरों के नज़र में कभी भी वैलिडेशन सीख मत करिए। आपको तकलीफ है, अप्रोच करिए। यू आर इनरोल्ड ओवर हियर, या फिर आपकी लाइफ में यहाँ मेंटर्स नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो रहे होंगे ना कभी भी, तो उस गुरु को पकड़िए जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले आ सके। और गुरु का तो मतलब ही यही होता है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो अपनी तकलीफों को, गलतियों को, चैलेंजेस को बताइए, जो भी डील कर सकता है। लाइफ चैलेंजेस हैं, अपने माँ बाप से बात करिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा आपका कोई चाहने वाला नहीं होता है। दैट्स ऑल, ठीक है, आगे अब लेते हैं इसको। तो अब यहाँ इन्वायरमेंट खत्म, अब यहाँ पर हम लिखते भी जाते हैं क्या क्या खत्म हो रहा है। पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री रह गया है अभी, इको खत्म, इन्वायरमेंट खत्म, और ज्योग्राफी खत्म, क्या रह गया? साइंस एंड टेक। ठीक है, अब आप उठाएंगे अक्टूबर में क्या? एंशिएंट, और नवंबर में मॉडर्न, दिसंबर में अगर मन करे तो मिडिवल उठा लीजिएगा, बट गिवन द डायनेमिक्स इन आर पॉलिटिकल कंट्री, बहुत सारा सिलेबस तो हटा दिया गया है, तो अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इवन आई कांट डू एनीथिंग। पर एंशिएंट और मॉडर्न आप अक्टूबर पूरा लग करके एंशिएंट खत्म करेंगे, और अच्छे से खत्म करेंगे, पूरा का पूरा नोट्स बनाएंगे, प्लस जो अभी तक पढ़ा है उसका रिविजन करते रहेंगे विथ PYQs। ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर आपने पूरा का पूरा अक्टूबर जो है दे दिया है इस एंशिएंट के लिए, नहीं, पूरा एंशिएंट के लिए नहीं दिया है। आप एंशिएंट पढ़ के खत्म करेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारा का सारा जो पढ़ा है, पॉलिटी अब तक नोट मेकिंग होनी शुरू हो जानी चाहिए, इकोनॉमी रिविजन शुरू हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी माइंड मैपिंग शुरू हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में जियोस्ट्रॉपिक विंड दिखने लगना चाहिए कि अच्छा प्रेशर ग्रेडिएंट और इन दोनों के बीच में रहता है, पैरेलल जानी शुरू हो जाती हैं हवाएं,
अगर मैं बोलूँ साइक्लोन तो आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा इमेज आना चाहिए कि अच्छा हवाएं ऐसे घूमती हैं, अप ड्राफ्ट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, नीचे में ऐसा होता है, पानी जरूरी होना चाहिए, आई ऑफ द साइक्लोन, साइड्स में उसके वॉल्स होते हैं, क्या कंडीशन होती है द मोमेंट इट हिट्स द लैंड और एंटायर प्रोसेस इज डिसिपेटेड। अगर मैं बोलूँ कि माउंटेन कैसे बनता है तो आपके दिमाग में क्लियरली आना चाहिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन्स मेनली, वन इज फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल 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 कॉन्टिनेंटल, ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर वॉल्केनिक माउंटेन्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा जो ओशियनिक प्लेट्स होता है वो भारी होने के कारण इसके नीचे चला जाता है, पर देर आर टाइम्स कि ये उठेंगे और पूरे के पूरे एग्जाम्पल के साथ पूरा हमारा वो आर्क जो है ईस्ट इंडीज नेशन से लेकर के पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के साइड तक का और इधर हमारा साउथ अमेरिका के साइड वाला और नाम के साथ, कैसे जब पढ़ोगे रेगुलर, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर लोगे, ठीक है। और नवंबर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए। आई थिंक रफली अब हमने हिस्ट्री में भी क्या क्या खत्म कर दिया, एंशियंट और मॉडर्न, क्या बच गया, एक मिडिवल बच गया और एक आर्ट एंड कल्चर बच गया और यहां हमारा साइंस एंड टेक रह गया है, ठीक है। डिलीट करें इधर, और पूरा का पूरा एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर जब अभी खत्म होगा ना जनवरी तक में, तो फिर से हम रिटर्न करेंगे कि अब हमारा GS2, GS1, GS3, GS4 कितना खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम कहां पे थे, नवंबर तक हमने क्या क्या खत्म कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया था यहाँ, ये पूरा महीना पढ़ सकते हो आप, प्लस रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दिसंबर, दिसंबर में आप उठाओगे साइंस एंड टेक, पूरा महीना पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पढ़ो कि दोबारा जरूरत ना पड़े, इंश्योर करो कि एक बार पढ़ूं तो दोबारा जरूरत ना पड़े। और अभी दिसंबर खत्म होते मेरे पास कितना समय हो गया है, सितंबर का 15 दिन, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और दिसंबर पूरा, मेरे पास रफली 110 दिन होंगे, 110 दिन, ठीक है। क्या 110 दिन में पेपर टू खत्म नहीं होगा क्या, जो पहले हमने प्रोसेस किया है पूरा का पूरा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, 14 घंटे नहीं देने, 6 to 8 आवर्स मोर देन इनफ, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिए, आई थिंक आई एम बीइंग वेरी स्ट्रैटेजिक, सब कुछ क्लियर और क्लैरिटी से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन ले लें जब तक, इनके ऑफलाइन क्वेश्चंस फिर आ जाएंगे। ओके, सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, सर समटाइम्स इवन आफ्टर स्टडिंग अ सब्जेक्ट वन टाइम आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट PYQ क्वेश्चंस व्हिच देन बिकम वेरी डॉन्टिंग टू मी and then makes me feel quite stupid, how can I overcome that? यार पहले दो बार तो मैंने भी फेल किया है, तो मैं भी तो गधा रहा हूँ, but what you can do, you can simply work on it, जो काम नहीं होता है उस पर करते रहेंगे। वो कहते हैं ना, एक बड़ी प्यारी लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की, कि जंग के मैदान में अगर आप घुटने के बल चलोगे तो गिरे ही हुए कहलाओगे ना, गिरोगे तब जब आप घोड़े पे रहोगे। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की लाइन नहीं है, लेकिन किसी और की होगी, कि गिरते हैं सह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गुरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप पहले से ही मान के चल लोगे कि हम गधे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कि कम से कम हमें पता तो है कि हम गधे हैं, बहुतों को तो पता ही नहीं है कि हम गधे हैं, तो उनकी स्थिति तो और दयनीय है। एंड इफ यू नो दैट यू आर गधा, यू कैन वर्क ऑन इट, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु कैन हेल्प यू, आप हेल्प करो और अच्छे बन जाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी 6 to 12 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं, 6 to 12 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 11, 12 पढ़ना है, 6 to 10 पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करोगे, अगर पंचवर्षीय योजना रख रहे हो तो पढ़ लो। सर आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स वी विल नो एवरीथिंग राइट, हाउ एग्जैक्टली डिड यू रीस्टार्ट योर थर्ड अटेम्प्ट, हिंदी में हमको बताइए, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आपने अपने थर्ड अटेम्प्ट के बाद एग्जैक्टली क्या किया जिससे आप सब कुछ क्लियर कर गए? मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, बस मैंने अपनी गलतियां ढूंढी और ख़त्म कर लिया। सी आई वॉज नॉट बैड एट कॉन्टेंट, कॉन्टेंट वाला पार्ट में बहुत अच्छा था, माइंड मैकिंग पहले से भी हो रही थी, बस क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो नहीं आता था। मैंने बोला ना, मैंने 2020 में मैंने कितने अटेम्प्ट लिए थे, 58, 59,
21 में मैंने 69 के करीब अटेम्प्ट थे और 2022 में 84 एंड दिस वाज द मेजर चंक क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला था कि मैं 2.5 मार्क्स से फेल हुआ हूँ. सो दिस वाज द काइंड ऑफ ब्लेसिंग टू मी. मैंने कहा इस बार पार. ठीक है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ. अल्टीमेटली जो आप अपने दिमाग को फीड करोगे वही आपकी मैजिकली दैट बिकम्स योर फिजिकल रियलिटी, वही मैनिफेस्ट होता है रियल वर्ल्ड में. एब्स्ट्रैक्ट एसेज के बारे में भी कुछ बताइए, अप्रोच कैसे करें सच टॉपिक्स को. किसके और बारे में? एब्स्ट्रैक्ट एसेज. एब्स्ट्रैक्ट एसेज या इसी बार का ले लेते हैं. यू कांट डिप टॉइस इन द सेम रिवर. एक सिंपल सा लॉजिक समझो, जो वक्त बीत गया वो वापस आएगा क्या? इट मींस देयर इज चेंज एंड देयर इज रिवर्सल ऑफ चेंज. तो इसका पूरा का पूरा मतलब ही वही है कि पूरी दुनिया जो है वो परिवर्तनशील है. तो अगर आप इस चीज को क्लैरिटी से समझ पा रहे हो दैट यू कैन नॉट डिप ट्वाइस इन द सेम रिवर, सिंपल मतलब ये है कि जीवन जो है वो स्टैटिक नहीं होता है. अगर ये कोर बना पा रहे हो ना तो दूसरी चीजें ये होती हैं कि यू हैव 90 मिनट्स यूजुअली. फर्स्ट ऐसे के लिए 90, दूसरे ऐसे के लिए 90, और कितना लिखना होता है 10 से 12 पेज. तो एक बड़ी प्यारी लाइन कही गई है कि जंग के मैदान में जाने से पहले ना अपने एक्सेस और सॉस को सर्व करना सीखो. तो अगर आपको 90 मिनट का टाइम एक ऐसे के लिए मिलता है तो डिवोट योर 20-25 मिनट्स थिंकिंग ओवर इट, और सोचो और इसका माइक्रो नोट्स बनाओ. और वो कैसे हेल्प होगा? अगर आपने पहले से नोट्स बनाना सीख रखा है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ कीवर्ड्स यूज करने होंगे एंड यू कैन सिंपली इन्यूमरेट देम कि इस कीवर्ड के लिए इतना पॉइंट, इस कीवर्ड पे ये स्टोरी मुझे प्लग इन करनी है, दैट्स ऑल. और मेरी तरह ज़्यादा फिलोसफिकल मत हो जाना फॉर फिलोसफी स्टूडेंट्स, वरना कम नंबर आएंगे. तो 108 इज नॉट बैड, मेरे से भी कम आए हैं बहुत सारे टॉपर्स को. आई एम नॉट बींग अदरवाइज बट आई एम सिंपली टेलिंग कि ऐसा हो सकता है. तो आप किसी बायस के साथ मत जाओ पेपर में. एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी कभी भी ये नहीं कहता है ना कि आपको सबसे बेस्ट ऐसे लिखना है. आप जा करके यूपीएससी का गाइडलाइंस पढ़ो, दे सिंपली आस्क यू टू बी वेरी कंसाइज, बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. अरे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं यार, स्ट्रेट लाइन थोड़े ना है. एक बार पकड़ लिया तो अब चलते ही रहेंगे, जीवन है ऊपर नीचे होगा. ठीक है, दिसंबर में पूरा का पूरा साइंस एंड टेक भी खत्म. अब हमारे पास बच क्या गया? एक आर्ट एंड कल्चर और दूसरा मिडिवल. सी मिडिवल पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है कर लो. मैं इसका बता देता हूं मैंने क्या किया था. मैंने बनाया मैप, ठीक है, और हर टाइमलाइन के साथ मैंने एक एक किंगडम खत्म कर दिया. कैसे खत्म किया? हमारा 750 से शुरू हो जाता है मिडिवल कन्नौज ट्रायंगल, 750 to 1000, तब तक इधर इस्लामिक इन्वेजन चालू हो जाएंगे. ठीक है, 1000 से 1200 स्पेसिफिकली टू बी 1192 तक राजपूत्स. मैप बनाओ, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, यहाँ कन्नौज, इधर कहीं तुम्हारे चंडेलाज बुंदेलाज भी इधर पे, और यहाँ पर एक सोलंकी. मैप बना करके चार पांच राजाओं के नाम लिख लो, दोज हु आर वर्थ मेंशनिंग, और वहीं पे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना दो कि भाई पृथ्वीराज चौहान दो लड़ाइयां बीवी के चक्कर में मर गया, खत्म कहानी. तो पृथ्वीराज चौहान जो थे इतने महान शासक, तो वो कमियां हमें सीखनी पड़ेंगी कि प्रेम इतना भी ना हो कि अनन्य प्रेम आपको ले डूबे, और हमें वहां से लर्निंग लेनी पड़ेगी कि नेवर लीव योर एनिमीज. एनिमीज को गलतियां माफ कर दो लेकिन गलत करने वाले को माफी नहीं मिलनी चाहिए. अगर गलतियां जो की थी मोहम्मद गोरी ने, इफ ही वुड हैव किल्ड ही वुड नेवर हैव बीन डीथ्रोन्ड. मरते नहीं हमारे महान शासक पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, ऐसे करके फिर हम 1200 से कब तक, 1526 तक. क्यों? परगना से एक लुटेरा आएगा. ठीक है, 1200 में हम शुरू कर देंगे स्लेव. उसके बाद क्या बलवन क्यों आएगा? मैंने स्लेव्स तो पूरी की पूरी बलवन तलवन सब खत्म कर दी भाई. खिलजी यार इतनी बढ़िया मूवी लोग देखते हैं, तुम लोग मूवी भी नहीं देखे हो. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई गाना आएगा बिनते दिल, पता नहीं क्या क्या आएगा कुछ. ठीक है, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद 30-40 साल के लिए एक छोटी सी
आती है जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा सैयद, ठीक है। और उसके बाद और यहाँ से 1526 में मुगल्स, और 1526 के बाद 1700 खत्म पूरा मिडिवल। अब या तो किताब पढ़ लो या तो मेरी तरह मैप बना लो इनका। मैंने मैप बना के ख़त्म कर दिया, इसीलिए मुझे याद भी है। अब हर वंश में तीन चार से ज़्यादा तो है नहीं, तुल्लक में भी तीन चार होंगे, यहाँ पर एक पगला राजा होगा MBT, ठीक है। तो मुझे भी वैसे ही याद है सारी चीज़ें, जैसे आपको वर्क करती हैं कर लो, मैप बना के ख़त्म कर दो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको एक सोर्स दे देता हूँ, एक प्रतीक नायक की PDF आती है, अगर कहीं मिल जाए पढ़ लो। मैंने बस यही पढ़ा था और मैंने इसके भी नोट्स बना लिए थे। मैंने शायद आई थिंक 30-35 पेज में पूरा आर्ट एंड कल्चर ख़त्म कर दिया था, क्योंकि फिलॉसफी बैकग्राउंड रहा हूँ तो सूफ़ी, फिर आपके ये भक्ति मूवमेंट, ये मुझे बहुत अच्छे से पता थे। आर्किटेक्चर वगैरह चूँकि थोड़ा वैष्णव हूँ तो धर्म कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं बैठ के मंदिर तो मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ता रहता हूँ। तो सब तुम्हारी किस्मत की बात है, लकी था, शेर बाग सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए, भाई GS1 के जो थोड़े बहुत आते थे लिख दिया मैंने, तो लक प्लेज अ पार्ट। अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने सिर्फ किया है तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मिथ्या है बिल्कुल, ठीक है। अब एक बात बताइए, कुछ भी ऐसा बचा क्या जो जनवरी तक में मैंने छोड़ा हो? अब करना क्या है आपको, अगले 2 महीने बैठ के बस रिवीजन करना है, ताकि आपका GS2 भी क्लियर होता रहे, GS3 भी क्लियर होता रहे और GS1 भी क्लियर होता रहे। और लास्ट के 3 महीने जो आपका अप्रैल और मई है, 2 महीना इसमें बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक्स लगाने हैं। क्यों मॉक्स लगाने हैं? क्योंकि अभी तक में आप PYQs के साथ ख़त्म कर चुके हो अपना सिलेबस, नहीं किए हो क्या? जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो PYQs के साथ आई हैं, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे विच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। लास्ट के 2 महीने में हर तीसरे दिन भी एक मॉक दोगे ना, इट वुड डू जॉब। और सी, मैं मॉक्स के लिए भी कह दूँ, मैंने कोई मॉक नहीं दिया है ज़्यादा, मैंने गिन के 7 या 8 मॉक दिए होंगे। हर बार यही पैटर्न रहता था, पहले वाले के लिए तो 2 मॉक्स दिए थे, दूसरे वाले के लिए 3 या 4 दिए थे, तीसरे वाले के लिए 7 या 8 दिए थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ें मैंने बहुत प्यार से की हैं। PYQs आर मस्ट, ठीक है। नीति आयोग प्लान और PIB PRA जैसी साइट्स को फॉलो कैसे करें? देर आर क्वेश्चन विच कैन कम फ्रॉम देयर, पर ऐसे करोगे तो सरकारी वेबसाइट्स कम से कम 100 होंगी। अब हर वेबसाइट पढ़ पाना इज नॉट इन ह्यूमन कैपेसिटी, आइदर यू कैन रिलाई ऑन सोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑनलाइन और यू कैन गो ऑन रीड ऑन योर ओन। तो फिर वही होगा कि आप 10 साल लगा दोगे UPSC क्लियर करने में। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर बेसिक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और 1-2 क्वेश्चन जो सरकारी न्यूज़पेपर से आ जा रहे हैं, सरकारी वेबसाइट से आ जा रहे हैं, यार अब अगले साल फिर कुछ और हो जाए, अगले साल एक नई किताब से क्वेश्चन आने लगे, तो आप हर बार अपने सोर्सेज तो चेंज नहीं कर सकते हो ना, यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स। तो जब तक वो पूरी की पूरी एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं हमें पता चल जाती है, वील स्टिक टू आर बेसिक्स। मेंस में पेन का क्या रोल होता है, आपने कौन सा पेन यूज किया? घंटा कोई रोल नहीं होता पेन वेन का, जिससे कंफर्ट रहो लिखो यार, पेन का क्या रोल होता है पेन वेन, कल पूछना कपड़ा पहन के क्या कहते यार। तो यार ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता पेन कौन सा यूज किया, पर चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, मैंने V5 यूज किया था, दैट्स ऑल। एनालाइज कैसे करें कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, रिट्रोस्पेक्ट कैसे करें अपनी प्रिपरेशन को? यार सिंपल सा चीज़ है, स्कोर कर रहे हो, सही जा रहे हो, ये तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना, पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कोई तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारे पापा पूछ दें कि बेटा मोदी जी ने एक नया बिल लाया है, तो तुम अपने पापा को बता पाओ कि हाँ बिल लाने का प्रोसेस क्या है, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। लॉन्ग रन में मोमेंटम कैसे बना के रखें, क्योंकि 2-3 GS सब्जेक्ट ऑप्शनल न्यूज़पेपर सब डेली बेसिस पे होने पाता। इसीलिए तो बोला कि 30 दिन के 26 दिन ही पढ़ाई होती है, 4 दिन मेरे लिए कोरियन ड्रामा होता था। लास्ट अभी कल परसों खत्म किया है। अरे यार दो कैरेक्टर से नाम भूल रहा हूँ मैं, मारपीट वाली थी, स्ट्रीट समथिंग कुछ करके था, नहीं वो कोरियन ही था, आई एम अ कोरियन फैन, मैं कोरियन आज से नहीं 14 साल से 2010 से देख रहा हूँ मैं। ये जो प्लान आप बता रहे हो फ्रेशर्स के लिए कि रिपीटर्स के लिए? फॉर एनीबडी, दिस विल वर्क वंडर्स फॉर एनीबडी, इसमें कुछ भी मैंने अलग नहीं रखा। रिपीटर्स के लिए जो नोविस हैं वो शायद 1 या 2 बार रिवाइज कर पाएंगे, रिपीटर्स को ये चीज़ें कम से कम 3 से 4 बार कर लेनी है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ बेस। कॉपीज कहाँ से चेक करवाई आपने?
कॉपीज चेक करवाने का लोड मत लो, क्योंकि उन कॉपीज पे कमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता है। आई ऑलवेज यूज टू गेट कि ये बढ़िया ये बढ़िया ये बढ़िया, तो 3.5 मार्क्स का दिए हो भाई। तो ये चीज़ें तो मेरे मेंटोर ने भी मेरे को बोली थी बहुत क्लियरली कि इन सब चीज़ों का आदित्य कोई मतलब नहीं है, आप अच्छा लिख रहे हैं अच्छा लिखते रहिए और जंग के मैदान में चले जाइए। और उसका मैनिफेस्टेशन हो गया मेरे को। आपने कहा पॉलिटी इकोनॉमी को एक अटेम्प्ट एक महीने में कर लो, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बनेगी? फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं, एक महीना ज़्यादा समय दे रहा हूँ। आई कैन गारंटी यू इवन अ नोविस कैन कंप्लीट द एंटायर पॉलिटी इन 15 डेज। अगर 15 दिन से ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स यू आर मेकिंग मिस्टेक। सर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे रिलाई करने के लिए बोला इंस्टेड ऑफ कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं कि मेंस के आंसर्स पे। सेल्फ इवैल्यूएशन भी ऐसा होना चाहिए कि वो रियलिस्टिक हो जाना चाहिए। वो कहते हैं ना रावण नहीं बन जाना चाहिए कि हमने जो बोला वही शास्त्र, ठीक है। स्टिक टू सम पैरामीटर्स, जैसे सपोज करो उन्होंने बोला कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी और आप लिख रहे हो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दीज पॉलिसीज, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि सिग्निफिकेंस का मतलब हम महत्व पे बात कर रहे हैं, नाइदर द रेमिफिकेशंस ऑफ दैट एक्ट। और सर आंसर राइटिंग बिगिनिंग में स्टार्ट करने में लाइक वेयर डिड यू फोकस ऑन, लाइक आपने टाइम बाउंड ही स्टार्टिंग से किया या फिर पहले आप आंसर सेटिस्फैक्शन लिखा? राइटिंग वैसे की ही नहीं है, आई डिड नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल वे, आई हैव फॉलोड द मैप मेकिंग। अगर मेरे से कोई पूछे कि लेट्स से हाउ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज या फिर हाउ द नेचर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव इवॉल्वड विद द सुप्रीम कोर्ट प्रोपगेटिंग ऑन टू मल्टीपल एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली वो सारे के सारे केसेस याद आ जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है। जैसे सीआरजेड से मराडू फ्लैट्स, दिल्ली में ग्रैप लगता है जिसको आप ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हो ईपीए के थ्रू, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो स्मॉग टावर बना है, उसके अलावा डब्ल्यूपीए के तहत बहुत सारे फोकस जाते रहते हैं, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। क्यों याद आती हैं? क्योंकि मैंने रीड किया है। बेसिक्स तो वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, अल्टीमेटली वी विल हैव टू जस्टिफाई दैट इन फोकस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, द वेरी पर्पस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, क्योंकि देन दे वुड बी डाइवर्जिंग, देन दे वुड बी एंटरिंग इन टू द जोन ऑफ सम अदर ऑर्गन ऑफ द लेजिस्लेटिव। आएंगे आंसर राइटिंग पे भी आएंगे। तो मोमेंटम वाला पार्ट इज क्लियर, और मोमेंटम कैसे मेंटेन होगा मैं बता देता हूँ। आइडियली 30-31 डेज, यू कैन इफेक्टिवली रीड फॉर 25-26 डेज, 4 डेज आर एक्सक्लूसिवली फॉर योर रेस्ट कंसर्निंग ऑल द पर्सन्स इन्वॉल्व। देर आर चैलेंजेस विद डिफरेंट पीपल, भाई सबके अपने अपने कंसर्न है, टेक दोज टाइम, रिक्यूपरेट योर सेल्फ, मस्त हो जाइए। दिल विल भी टूट गया है, उन चार दिनों में बैठ के जैसे ठीक करना है कर लीजिए, बट फॉर 25-26 डेज इफेक्टिवली देर शुड बी प्रोडक्टिविटी। अगर वो नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, स्टडी आर्स इफेक्टिवली 6-7-8 आर्स हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, एग्जाम्स जब नियर हो तो लास्ट का 1-2 महीना मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप रिवीजन टाइम बढ़ा दो, क्योंकि रिवीजन में पढ़ने से ज़्यादा रिकलेक्शन होता है, रिकलेक्शन इज स्टिल ईजी, ठीक है। तो आपका जो भी पढ़ाई है ना, जो 6-8 आवर्स हो रहा था, यहाँ 8-10 आवर्स होने लगेगा। पर अगर कोई कहे कि सर हम 14-16 घंटा पढ़ते थे, हम 15 मिनट में पढ़ लेते थे, लास्ट के एक महीना में पढ़ लेते थे, यार देखो हमसे नहीं हो सकता है, जो हम सब्जेक्टिवली जो हम फील किए हैं हम वो बता रहे हैं, और जो चीज़ें शायद आपको भी फील होती होंगी, ठीक है। सोते थे 8-9 घंटा सोने के लिए भी चाहिए ना यार, शरीर थकता है, 8-9 घंटा सोने के लिए चाहिए। उसके बाद रोज बैठ के हम कोरियन ड्रामा देखते थे थोड़ा थोड़ा, तो 4-6 दिन तो बस एक्सक्लूसिव होता था, रोज का भी तो कुछ चाहिए ना अलग से, रोज का भी चाहिए होता है, ठीक है। मास्क हटा के बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, क्यों होंगे डिप्रेशन? बोले तो कि माय पेरेंट्स वर ऑसम, अगर हमको तकलीफ भी होता था तो वो कहते थे कोई बात नहीं है सब होगा तुम करो। फैमिली बैकग्राउंड वैसा है और कुछ नहीं, हमारे घर वाले वैष्णव हैं, राम भक्ति बचपन से देख रहे हैं, हनुमान भक्ति, और अभी जब पेपर शुरू किए तो भाई एवरीबडी फॉलोज द सेम काइंड ऑफ अ ट्रैक, हम कोई डिफरेंट नहीं थे, दिल हमारा भी टूटा है, तो अंतिम में जो हमारा प्रेम लगा वो राम से लगा और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़े इस पे, अब हाँ, क्योंकि वो सारा कचरा किसी समय में पढ़ा है हमने, तो
तो वो चीज़ें उनमें से वो कहते हैं ना कि अगर कीचड़ में कमल है तो दिखता तो पूरा कीचड़ ही है ना। सर, वो कीचड़ आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, करना पड़ता है, एक बार कचड़ा तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखोगे नहीं तो कीचड़ में से कमल निकालोगे नहीं। अगर आप चीनियों को भी छोड़ोगे बालू के ढेर में कि चींटियों को कि चीनी लेके आ जाएं, तो घुसना तो पड़ेगा ही ना कीचड़ में। टीम में और सर, ये प्रोसेस आपने खुद से ही किया, मैन्युअली? खुद से नहीं, सी ये चीज़ें मैंने और मेरे मेंटोर ने मिल के बैठ के की हैं। जैसे मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, जैसे आप कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, मेरे साथ भी नहीं होता था, हम भी नहीं पढ़ पाते थे। हम रवि को कहते थे कि अपना डिस्कॉर्ड ऑन करिए और सामने बैठे रहिए, आप मत पढ़िए, आप कुछ मत बोलिए, आप बस दिखिए मेरे को कि एक बंदा बैठा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप राम नहीं रावण बन जाओगे। राम इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि मर्यादा में हैं, और जब तक आप मर्यादा में रहोगे आप अच्छे रहोगे। अमर्यादित जीवन रावण का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, एक अनाउंसमेंट करनी है गाइज, ऑल इंडिया रैंक 29 पौरुष भी आने वाले हैं, तो वो हम साथ ही सेशन करेंगे कंटिन्यू, और रिफ्रेशमेंट भी होगा बीच में। तो सर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स होता जाएगा, रिफ्रेशमेंट आप ले लेंगे और उसी में फिर हम ट्रांजिशन कर देंगे पौरुष के साथ। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं लास्टली। देखिए, यहाँ तक क्या है कि आपके मोमेंटम भी क्लियर हो गए, आपने ये भी कर लिया कि हमें कितने देर करना है, आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को रिफ्रेश भी कर लिया है। भाई, 3-4 दिन का टाइम तो मिलना ही चाहिए, उससे कम में दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट GS4। GS4 में ना मैंने कोई टॉपिक नहीं किया है किताब से, मैंने एक एक टॉपिक उठाया, उनको अपने नोट्स बनाए और उनको कर दिया मैंने, और कुछ नहीं। मेरे नोट्स बड़े डिस्पैरेट टाइप के हैं, पता नहीं मेरे पास हैं कि नहीं, लेट मी चेक। ये मेरे नोट्स हुआ करते थे। अब ये पूरा का पूरा एटीट्यूड चैप्टर मैंने 11 पेज में खत्म हो गया है। तो ये चीजें करने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ती है, एक एक कीवर्ड पे आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। और आपको इंटरलिंकेजेस करना बहुत जरूरी है। जैसे पहला, एथिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो यार, सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, एथिक्स के सोर्सेज पता होने चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स पता होना चाहिए कि एथिक्स का सोसाइटी से क्या रिलेशन है, फैमिली से क्या रिलेशन है, और ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्योंकि दीज आर फ्रॉम द सोर्सेज। एथिक्स फ्लोज फ्रॉम पर्सनल एथिक्स, सोसाइटल एथिक्स, फिर आपके फैमिली एथिक्स, उसके बाद स्कूल के एथिक्स, कंपनी एथिक्स भी होते हैं, आप कंपनी में जाओगे वहाँ भी कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं। तो टू एवरीवेयर वी आर यू आर शेयरिंग अ रिलेशनशिप, आपके उन सोर्सेज के साथ उसके रिलेशन भी देख लेने हैं। अल्टीमेटली वाई एथिक्स आर यूजफुल, एंड लास्ट इसका घाटा, एथिक्स के कुछ घाटे होंगे वो देख लीजिए, खत्म। मुझे नहीं लगता कि पहले टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है। अब फैमिली में भाई से आप कुछ और सीखते हो, अपनी माँ से कुछ और सीखते हो, पिताजी से कुछ और सीखते हो, बहन से कुछ और सीखते हो, स्कूल में टीचर से कुछ और सीखते हो, अपने दोस्तों से कुछ और सीखते हो। तो दीज आर द सोर्सेस, और हर सोर्स के साथ आपका एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट लेना है, दैट वर्क्स। इसके बाद सेकेंड है आपका एटीट्यूड। लोग कहते हैं उसमें बड़ा एटीट्यूड है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सी, देयर इज अ डायग्राम विच आई यूज टू फॉलो। पहला था बिलीफ, दूसरा था वैल्यू, तीसरा है एटीट्यूड, एंड द लास्ट वन इज बिहेवियर, दैट इज एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर, और दिस गोज इन टू फीडबैक। वॉट इज बिलीफ? द टाइनीस्ट आइडिया अबाउट समथिंग इज योर बिलीफ। इफ आई से वॉट इज गॉड, कुछ नहीं तो कुछ तो पता होगा, सो दैट टाइनीस्ट आइडिया इज बिलीफ। मतलब अगर कल आप कोई किताब पढ़ लो तो वो बिलीफ तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज वेरी वल्नरेबल। तो बिलीफ, बिलीफ के बाद आते हो वैल्यू। वैल्यू बिलीफ में जब इमोशंस इंपैक्ट करती हैं, इमोशंस, जैसे मेरी राम भक्ति वो मेरे वैल्यू में आ चुकी है, तो वैल्यू को चेंज करना मुश्किल है थोड़ा। उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कथारसिस कि भाई हृदय परिवर्तन हो जाए, कोई बिल्कुल एकदम ऐसा लग जाए कि राम तो अनन्य हो ही नहीं सकते, जो कि मुश्किल लगता है मुझे। ठीक है, तो वैल्यू चेंज करना बहुत मुश्किल होता है।
यही वैल्यू आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू प्रेजेंट टू अदर्स हु आर इनटू योर रिलेशन। वो फिजिकल बीइंग हो सकते हैं और नॉन फिजिकल बीइंग हो सकते हैं, इनएनिमेट थिंग्स होते हैं, जैसे नेचर। नेचर को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं कि दैट इट इज लिविंग ब्रीदिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग, पर है तो अल्टीमेटली वो इनएनिमेट ही ना। तो नेचर के प्रति अगर मैं कहूं कि तुम क्या नेचर को मारना चाहते हो, तो तुम कहोगे नहीं नहीं नेचर बड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी अगर अभी पैसे मिल जाए 4 BMW लाके घर में रख दोगे, तो एटीट्यूड अच्छा है लेकिन क्या बिहेवियर अच्छा था? क्या नहीं था। तो ये मैप मुझे काम करता था। तो एटीट्यूड इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ फेवर और डिसफेवर टुवर्ड्स समथिंग। तो अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एटीट्यूड का कुछ कंपोनेंट्स होता है जिसको आप स्कैब कंपोनेंट पढ़ते हो, वो किताबों में मिल जाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा। हर टॉपिक पे 2-2 से 3-3 दिन, 60 टॉपिक हैं, 7 या 8, 2-2 दिन तो देना पड़ेगा हर को, ठीक है। एटीट्यूड के बाद आता है एप्टीट्यूड। सेम थिंग यू विल डू विद एटीट्यूड, जैसे एटीट्यूड क्या है वैसे एप्टीट्यूड बनाओगे। उसके बाद आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है, ठीक है। इमोशंस पहले पढ़ लोगे, इमोशंस इज एन आउटब्रेक, वो तो पूरा का पूरा एक हार्मोनल होता है ना। इमोशंस इट कम्स, हंसी खेल नवरस जिनको पता है वो जानते होंगे कि इमोशंस क्या होगा अच्छे से, ठीक है। और इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डील विथ इमोशंस। अब इमोशंस होगा, जैसे मान लो किसी ने आपका दिल तोड़ा और वो सामने अचानक दिख जाए, एक साथ नवरस उत्पन्न होंगे, प्रेम भी आएगा, रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, मारने का भी मन करेगा। नाउ हियर कम्स द प्ले ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहता है कि उन इमोशंस का जो भी एक्शन होना चाहिए था, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, डील कर लेते हो, उनको रोक लेते हो, पॉजिटिवली कहीं उनको रीडायरेक्ट कर सकते हो, तो दिस बिकम्स द पार्ट वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स, ठीक है। और उनको नापने के लिए हम इमोशनल कोसेंट लेकर के आते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद फिलोसोफर्स। अब देखो, अब मैं तो फिलोसफी स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरे लिए आसान था, बट बेसिक्स जो है कुछ कुछ वो तो पढ़ ही लो आप। जो बेसिक्स है वो तो आप पढ़ ही लो, जैसे बुद्धिस्ट पढ़ी लोगे आप, इनका प्रतित्य समुत्पद, 4 Noble Truths, क्षणिकवाद, उसके बाद जैनिज्म, जैनिज्म का अनेकांतवाद, उसके बाद स्यातवाद, गुणधर्म, उसके बाद जो बेसिक हमारी इंडियन फिलॉसफी में इंडियन स्कूल्स की जो वैदिक फिलॉसफी है, जिसमें हमारे पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कहीं भी किसी कॉम्पेंडियम से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के कॉम्पेंडियम में 10-12 फिलॉसफर्स होते हैं और कुछ मॉडर्न फिलॉसफर्स होते हैं। मैं नाम दे देता हूँ, जैसे आपको सेंट ऑगस्टीन मिल जाएंगे, आपको एरिस्टोटल मिल जाएगा, आपको प्लेटो मिल जाएंगे, आपको डेकार्ट मिल जाएगा जो कॉगिटो एर्गो सम कह के गए हैं, आपको लिबनीज मिल जाएंगे, आपको बर्कले मिल जाएगा, ह्यूम मिल जाएगा, आपको सार्त्रे मिल जाएंगे, एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर, वियना सर्कल, बहुत सारे हैं। सी देर इज नो लिमिट टू दोज थिंग्स। वही मैंने कहा ना कि आप तो पढ़ना चाहो तो देर इज नो एंड, पर कुछ तो पढ़ लो ताकि उनको कोरिलेट कर सको। अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ के अगर लगता है कि ये उस फिलोसोफर से समझ में आ रहा है, कि ये उस फिलोसोफर की फिलोसफी पे है, तो मैं उस फिलोसोफर का नाम नहीं लिखूंगा, बट एटलीस्ट आई गिव अ ब्रीफ ऑफ दोज थिंग्स देर और आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, मैंने कोई बुक रेफर नहीं किया इसके लिए, कोई बुक नहीं। किताब यहाँ भी खरीदी थी, कोई किसी ने सजेस्ट कर दी थी, मैंने भी आप ही की तरह, क्योंकि ऐसे टॉपर स्टॉक सुनता नहीं हूँ मैं, या फिर किसी टॉपर ने इस तरह बताया नहीं, तो मैंने लेक्सिकन की मैंने भी बुक उठा ली थी जो मेरे को कचड़ा लगी। कर नहीं सकते, सी आई एम वेरी ब्लंट, मेरे को ये सब नहीं समझ में आता है भाई, जो कचड़ा है जो मुझे, बट अगेन आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, हो सकता है मैं ही गधा था, मुझे नहीं समझ में आती थी, पर मुझे नहीं समझ में आई, जो मुझे समझ में आई मैंने बता दी। भाई लक्ष्मीकांत समझ में आती थी, मैंने NCERT भी नहीं पढ़ा, मैंने 11-12 के लिए ज्योग्राफी में बस वही दोनों बुक्स पढ़ी हैं, एंड आई वॉज गुड विद इट। जो मुझे नहीं समझ में आया था वहाँ से पढ़ के, इसीलिए आई वॉज वेरी स्पेसिफिक कि जियोस्ट्रॉपिक विंड मुझे नहीं समझ में आया था। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, वहाँ भी समझ में नहीं आया, फिर 4-5 वीडियो सर्च किए तब जाके समझ में आया, देन आई मेड सेंस आउट ऑफ इट ऑन माई ओन,
कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं केस स्टडीज। सी, केस स्टडीज में कुछ नहीं होता, देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर टू बी डेल्ट। एक पैराग्राफ रहेगा जिसमें आपको एक फलाना ढिमकाना चिलमाना कुछ दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी यूज हो रही हो, आपको गलत करने के लिए कहा गया हो, कोई गलत हो चुका है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, नो मैटर व्हाट, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी क्लियर ऑन दोज पार्ट। जैसे इस बार जो बेसिक क्वेश्चंस थे, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए उसको। जैसे मान लीजिए एक एसपी है, एसपी को गलत कहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको गलत करना है, तो दिस इज एन अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, तो हम इंट्रोडक्शन दे देंगे कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद मुझे स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाएंगे, स्टेक होल्डर्स आर वेरी कॉमन, एक एसपी हो जाएगा, उसको जो धमका रहा है बंदा वो हो जाएगा, सोसाइटी एट लार्ज हो जाएगा, सिविल सोसाइटीज हो जाएंगी, एनजीओज हो जाएंगी, और इन दोनों के इंटरप्ले के कारण तीन चार लोग जो दिक्कत में आ रहे होंगे उनका नाम लिख दो। ये पूरा का पूरा स्टेक होल्डर हो गया। स्टेक होल्डर के बाद आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे कि वॉट आर द मोरल एंड एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व हियर। अब सपोज करो कि एक तो पहले ही आपने लिख दिया अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी दिख लिया ना, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस रैशनैलिटी, ऐसे करके जब आप पढ़ोगे तीन चार चीजें तो लिख करके आ जाएंगी, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी आ जाएगा, थ्रेट टू डेमोक्रेसी भी आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ डिलेमा। आप बनाने पे जाओ, लिमिटेड मत रखो अपने आप को, इफ यू लिमिट योर सेल्फ दिक्कत है। वाइड इन द होरिजन, एकदम जितना चौड़ा हो सके उतना देखेंगे उतना लिखेंगे, और जितना अच्छा होगा उतना लिखेंगे, किसी से पूछ के थोड़े ना लिखेंगे कि ये लिखें कि नहीं लिखें। ठीक है, आगे चले। इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। अब सपोज करो एसपी साहब को जिले के कप्तान को ये कहा गया है कि आपको ये गलत काम करना है, अब उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर होंगे। सबसे पहला काम, नौकरी छोड़ के भाग जाऊंगा। दूसरा काम, उसकी बात मान लूंगा। तीसरा काम, वहां से दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा। अगला काम, उसके सीनियर को कंप्लेन करूंगा। जितने ऑप्शंस एक्सप्लोर हो सकते हैं कर दो, किसी ने नहीं मना किया, मैंने यही किया था, पेज भी भर जाता था। मैंने यहाँ पर 6 से 7 ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। लकली इस बार के एथिक्स में इतने ही सारे क्वेश्चन आए थे जो मैं बता रहा हूँ, और ऐसे ही आए थे, और मैंने यही किया है जो यहाँ बता रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं किया। 6 से 7 ऑप्शंस एक्सप्लोर हो गए। लास्ट थे वाई दीज ऑप्शन, विच इज़ दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन। एक चीज और बताता हूँ, जब आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो वहीं पे प्रोज एंड कॉन्स लिख दो। कैसे लिखोगे? जैसे फर्स्ट ऑप्शन, लीव द जॉब या लीव द पोस्ट, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। यहाँ प्रोज लिख दो, भाई सेफ्टी ऑफ लाइफ, परिवार रहेगा, जीवन रहेगा, तभी ना कुछ करेंगे यार। कॉन्स क्या है? अगर नहीं छोड़ूंगा जॉब तो फिर भाई मेरी जान का खतरा, इधर जान बच रही है तो उधर जान जा रही होगी, पेज भी भर जाएगा, ऑप्शन भी एक्सप्लोर हो गए। अब लास्ट में जो बेस्ट ऑप्शन होता है, यूजुअली दिस इज टू बी कंक्लूडेड विथ मध्यम मार्ग, बट ऑलवेज ध्यान रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए। अब ये नहीं कि बुढ़िया अम्मा के अगर हमारे मनरेगा कार्ड उनका नहीं बना हुआ है तो जबरदस्ती तुम बनवा दोगे लॉ को बाईपास करके, वो नहीं करना है। आप दादी माँ का कर दो काम, बुढ़िया अम्मा जो भी आएंगी उनका काम कर दो, बट टेक हेल्प फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या ऐसा करना है कि नहीं करना है। उनकी पर्सनल कैपेसिटी में हेल्प करो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कर सकते हो। आप प्रोसेस को एक्सपीडाइट कराओ, सिस्टम को आप हेल्प लो, लेकिन आप कुछ भी इलीगल नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली वो मध्यम मार्ग बना के ख़त्म, और इस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व। अगर केस स्टडी इस पे सॉल्व नहीं होता है, ऐसा होगा ही नहीं, आप उठा लो केस स्टडी, एंड दिस इज हाउ योर एंटायर जी एस 4 वुड बी फिनिश्ड। 15-16 दिन तो लगाने पड़ेंगे यार, और कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ बोलिए ना। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स वहीं पे बना देने हैं यार। देखो वो सोचते रहो ना, वो थोड़ा सोचो, अब वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि खुद को सोचो, इफ यू वोंट थिंक यू वोंट बी एबल टू राइट, थोड़ा काम खुद पे रखो। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे ये बताओ। विधायक की बात मान लेंगे अगर एसपी, तो ऑब्वियस ही चीज है भाई, मेरी जान का खतरा खत्म, तो उधर वाला प्रोज, इधर का भी प्रोज, क्यों नहीं होगा। अरे बिल्कुल लिखो यार, बिंदास लिखो। ठीक है, अगर मन करे तो वहां पे आर्टिकल वगैरह सब लिख दो, खत्म करें फिर। आई गेस दिस वुड हाउ यू कैन गो।
अगर कोई हेल्प चाहिए तो भाई वो कहाँ गया हमारा, टेलीग्राम चैनल पे आप हमको पिंग कर दो। ठीक है, इतना हमारा नाम हो गया, इतना हमारा फिलॉसफी हो गया। ठीक है, डन। आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है रीच आउट टू मी ऑन दिस चैनल। अगर यहाँ नहीं मिलता हूँ तो इस चैनल पे इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप भेज देना। आई डू गो थ्रू द मैसेजेस, जो मुझे लगता है कि एड्रेस करने चाहिए मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।